Good afternoon, everyone. Is audio video clear for all? Audio video clear is okay. एक बार कमेंट कर दीजिए, यू कैन कमेंट कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं है, वेदर ऑडियो वीडियो इज क्लियर और नॉट क्लियर है। चलिए, सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर, आ गए कमेंट्स भी आ गए आपके। सो लेस देन 3 months आर लेफ्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन, ईयरसी एग्जामिनेशन। 3 महीने से भी कम टाइम बचा है आपके गेट और ईयरसी के एग्जामिनेशन के लिए। And in between, several other examinations will also be, you will be appearing. इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम होंगे जिनके लिए आप अपेयर कर रहे होंगे। सो इन ऑर्डर टू कॉन्ट्रीब्यूट फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑफिशियली। आई नेम दी कोर्स एज क्विक रिविजन कोर्स, हाउ एवर दी कोर्स विल बी अ फुल-लेंथ कोर्स ओनली। वो जरूर होगा कि हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कोर्स को खत्म करें। कोर्स इज सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन। आपका जो कोर्स है वो सूटेबल है सारे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई या किसी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हो या आप किसी जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, द कोर्स विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। जो भी क्लास में डिस्कस हो रहा है सुनते रहिए, इफ यू हैव एनी डाउट क्लास के बाद आप पूछ सकते हैं उसे। सो आई ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, मैं जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं सारे कवर करने की कोशिश करूंगा। द टॉपिक अंडर कंसिडरेशन इज फ्लूइड मैकेनिक्स, सो आई बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो डायरेक्टली काम की बात पे आते हैं, डायरेक्टली वी कम इनटू द पिक्चर। सो फर्स्ट अगर हम बात करें, टॉक अबाउट द फर्स्ट यूनिट, तो पहले यूनिट की हम बात करेंगे, विल बी टॉकिंग अबाउट फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज। बात करेंगे फ्लूइड और फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। सो बिफोर एंटरिंग इनटू फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रॉपर्टीज, फ्लूइड और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में एंटर करने से पहले, जिस तरीके से हर बार हम डिस्कस करते हैं कि ये सारी चीजें ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, फ्रॉम वेयर दिस इंटायर एस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस ओरिजिनेट्स, वी गो इन द सेम पैटर्न, उसी पैटर्न में चलेंगे आगे। सिंस अवर टॉपिक इज फ्लूइड मैकेनिक्स, तुम्हें पहले पता होना चाहिए कि भैया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का मतलब क्या है, फ्लूइड का मतलब क्या है, कौन कौन सी चीजें होती हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, किन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस कि भैया फ्लूइड मैकेनिक्स क्या चीज है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लूइड मैकेनिक्स। तो हम ये जरूर बोल सकते हैं कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डिफाइंस द बिहेवियर ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की जो डिफाइन करती है बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, जो हमें फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में बताती है। अब फ्लूइड का बिहेवियर, तो फ्लूइड कौन सा हुआ, फ्लूइड ये रेस्ट पे भी हो सकता है यानी रुका हुआ भी हो सकता है, और फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है, कहने का मतलब फ्लूइड चलता हुआ भी हो सकता है। और मेरे ख्याल से चलते हुए फ्लूइड को आप सबने कभी ना कभी देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन वाटर फ्लोइंग इन द रिवर्स। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, आपने पानी को कैनाल में चलते हुए भी देखा होगा, हमने ट्रीटमेंट प्लांट कर रखा है एनवायरनमेंट में, रॉ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कर रखा है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कर रखा है, वहां सेडिमेंटेशन टैंक्स आए थे, देयर सेडिमेंटेशन टैंक्स वर आल्सो देयर, तो उन सेडिमेंटेशन टैंक्स में पानी चल रहा था फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट, हमारी पाइप्स थी वहां पर भी पानी चल रहा था। तो कहने का मतलब है फ्लूइड स्टैटिक स्टेट में भी हो सकता है, रुका हुआ भी हो सकता है, और फ्लूइड मोशन में भी हो सकता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम बिहेवियर पढ़ते हैं फ्लूइड का, चाहे वो रेस्ट पे हो चाहे वो मोशन में हो। अभी जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। दिस एंटायर फ्लूइड मैकेनिक्स विल बी टॉकिंग इन 3 different aspects। तो सिंपलिसिटी के लिए हमने इसको 3 पार्ट में बाइफरकेट कर लिया। अभी कल भी मैंने डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को समझने के लिए क्या करो, छोटे छोटे टारगेट्स दे दो, क्योंकि अगर बड़ा टारगेट देंगे तो हम लास्ट में उसको अचीव करने के लिए फाइट मारते हैं और तब तक वो अचीव नहीं हो पाता। इसलिए अपने काम को कंप्लीट करना है अगर आपको, तो क्या करो, छोटे छोटे माइलस्टोन्स पे डिवाइड कर दो। सेम चीज है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा आ गया है, हमारा सब्जेक्ट है, इसको डिवाइड कर रखा हमने किसमें, इसको डिवाइड कर रखा हमने अलग अलग माइलस्टोन्स के अंदर। तो 3 फॉर्म में हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स को, पहला है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा है फ्लूइड काइनेमेटिक्स, और तीसरा है हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स। अब फर्क क्या है इन तीनों बातों में, व्हाट द डिफरेंस इन थ्री। पहली है फ्लूइड स्टैटिक्स, नाम में लिखा हुआ है यहां पर फ्लूइड रुका हुआ है, तो इट डील्स विद व्हाट, इट डील्स विद द फ्लूइड इन रेस्ट कंडीशन। तो जहां पर भी फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में होगा वहां पर हम उसको डील करेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर। तो जितने भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, जब फ्लूइड रुका हुआ है
उसको हम पहले पार्ट में डिस्कस करेंगे, विच इज नोन एज फ्लूइड स्टैटिक्स. द सेकंड ऑफ द एस्पेक्ट इज फ्लूइड काइनेमेटिक्स. अ फ्लूइड वही फ्लूइड है पर वो चल रहा है, तो डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन. ये डील करता है किसके साथ? ये डील करता है फ्लूइड के मोशन के साथ. पर ध्यान रखना, वी विल नॉट टॉक अबाउट द फोर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मोशन. तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम सारी एनालिसिस करेंगे फ्लूइड की जो मोशन में. जैसे हम क्या पढ़ेंगे, हम बात करेंगे फ्लूइड की वेलोसिटी के बारे में, हम बात करेंगे फ्लूइड की, जब मैंने वेलोसिटी बोली ये लीनियर वेलोसिटी भी हो सकती है, ये हमारी एंगुलर वेलोसिटी भी हो सकती है. हम बात करेंगे फ्लूइड की एक्सेलरेशन के बारे में, वी विल टॉक अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड. तो ये जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फ्लूइड के, जब वो मूव कर रहा होता है, वो हम डील करते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स में. पर किसकी बात नहीं की जाएगी? बात नहीं की जाएगी उन फोर्सेस की जो रिस्पॉन्सिबल है फ्लूइड के मोशन के लिए. और यहीं पे एक और कैटेगरी बन जाती है हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स. यहीं पर एक और कैटेगरी बन जाती है हमारी फ्लूइड डायनेमिक्स. अब ये क्या, इट डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन. ये भी डील करता है फ्लूइड के साथ जो मोशन में है, पर हियर विल बी टॉकिंग अबाउट द फोर्सेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन. यहां पर हम बात करेंगे उन फोर्सेस की भी जो मोशन को करा रहे हैं. तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क क्या है? काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क ये है कि पहले वाले में हम फोर्सेस से कंसर्न्ड नहीं है जो मोशन करा रहे हैं, पर डायनेमिक्स में वी आर कंसर्न्ड विद द फोर्सेस व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द फ्लूइड. तो अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो हम बोलेंगे स्टैटिक, फ्लूइड चल रहा है तो हम बोलेंगे काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स. अगर फोर्स की भी बात करोगे हम बोल देंगे डायनेमिक्स. तो ये तो बेसिक कैटेगराइजेशन हो गई हमारे पूरे टॉपिक की. दिस इज द बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ द एंटायर टॉपिक. कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनी वन? क्लियर है तक? चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. अब आगे बढ़ते हैं. अब आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया, अब बेसिक आइडिया गिवन टू यू, बेसिक आइडिया दे दिया. अब हम बात करेंगे एक एक पॉइंट को डिटेल में लेके. नाउ वी टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल. आवाज फट रही है, कुछ ही लोगों के लिए फट रही है क्या? बाकियों को तो साफ आ रही है, और मेरे यहां पर भी साफ है. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू, उसी में आगे बढ़ते हैं. विल कंटिन्यू इन दैट ओनली. मेरे हिसाब से तो क्लियर है यहाँ पे. अकॉर्डिंग टू मी दी वॉइस इज क्लियर हियर. चलो आगे बढ़ते हैं. सो विल कंटिन्यू. अब हम बात करते हैं फ्लूइड क्या होता है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लूइड. तो पीछे तो हमने डिस्कस किया कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को तीन डिफरेंट एस्पेक्ट में पढ़ेंगे. अब हम बात कर रहे हैं भैया ये फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लूइड. सो अ सब्सटेंस विच मे बी इन लिक्विड और गैसियस फेस इज रेफर्ड एज फ्लूइड. वो सब्सटेंस जो लिक्विड या गैसियस फेस में हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हम फ्लूइड बोल सकते हैं. ध्यान से सुनना इस चीज को. वो सब्सटेंस जो लिक्विड और गैसियस फेस में हो इसको टेक्निकली फ्लूइड बोला जाता है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द फ्लूइड हैज द केपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस. फ्लूइड के पास केपेबिलिटी होती है कि वो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो पाए जब आप उसके ऊपर क्या लगाओ, जब आप उसके ऊपर शेयर स्ट्रेस लगाओ. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, फ्लूइड हैज अ केपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस. पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता, पर सॉलिड में ऐसा नहीं होता. इस बात को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एक डायग्राम की मदद लेते हैं. विल टेक द हेल्प ऑफ द डायग्राम. तो लेट अस सपोज, यहीं पे बना के दिखा रहा हूं. लेट अस सपोज दिस इज अवर सॉलिड, ये हमारा सॉलिड है. इस सॉलिड के ऊपर मैंने शेयर फोर्स लगाया. जब इस सॉलिड के ऊपर मैंने शेयर फोर्स लगाया तो सॉलिड डिफॉर्म हो गया. सॉलिड इज डिफॉर्म्ड. सॉलिड इज डिफॉर्म्ड. लेट अस सपोज कि एंगल है हमारा थीटा. तो एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन कम्स आउट टू बी थीटा. तो जब आप ये फोर्स लगाया सॉलिड के ऊपर, सॉलिड डिफॉर्म हुआ और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन पे आके ये रुक जाएगा. दिस डिफॉर्मेशन विल स्टॉप. तो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया. लेट अस सपोज फोर्स को भी नाम दे देते हैं. लेट अस सपोज फोर्स है. जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया ये डिफॉर्म हुआ और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफॉर्मेशन पे आके ये डिफॉर्मेशन रुक गई. पर फ्लूइड्स के अंदर ऐसा नहीं है. फ्लूइड्स हैव द केपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स.
अगर यही सब्सटेंस, यही मटेरियल हमारे सॉलिड की जगह फ्लूइड होता, इफ द सेम सब्सटेंस वुड हैव बीन फ्लूइड, लेट सपोज ये हमारा फ्लूइड है, अगर यही सब्सटेंस फ्लूइड होता और आप इसके ऊपर शेयर फोर्स लगा रहे होते, ये हमारा जो फ्लूइड है कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता जाता, कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन ऑफ दिस फ्लूइड वुड हैव टेकन प्लेस। तो ये सिचुएशन मैंने अलग अलग टाइम पे बना के दिखाई है, दिस सिचुएशन आई हैव शोन एट डिफरेंट टाइम्स। तो जब तक आप इसके ऊपर फोर्स लगा के रखोगे तब तक ये क्या करता रहेगा, तब तक ये डिफॉर्म होता रहेगा। इसीलिए हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, दैट फ्लूइड हैज अ कैपेबिलिटी टू डिफॉर्म कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शियर स्ट्रेस। क्लियर है चीज? तो सॉलिड में ऐसा नहीं है, इट्स नॉट द केस इन सॉलिड। तो इन सॉलिड जब आप स्ट्रेस लगाओगे ये प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन होगा। जब आप सॉलिड की बात करोगे द स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, पर फ्लूइड के अंदर द स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन। तो इन केस ऑफ द सॉलिड ये जो मेरी स्ट्रेस है इस फोर्स की वजह से स्ट्रेस आएगी, तो मैं बोल सकता हूं ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है। बट इन केस ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के अंदर जो मेरी स्ट्रेस है ये प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन है। इस बात का मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि फ्लूइड हमारा कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता रहता है, फ्लूइड अंडरगोज कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन। ये चीज चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या, आप ये भी बोल सकते हो जिस सब्सटेंस को हम फ्लूइड बोल रहे हैं इट मे बी स्टेटेड टू बी इन कंटिन्यूम। तो एक नई टेक्निकल टर्म बोली, नई टेक्निकल टर्म बोली कंटिन्यूम। तो हो सकता है पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो कंटिन्यूम। तो हम बोल सकते हैं व्हाट वी कैन से कि जो फ्लूइड है इट मे बी कंसिडर्ड टू बी इन कंटिन्यूम। अब आप बोलोगे सर ये कंटिन्यूम क्या होता है, इस कंटिन्यूम को समझने के लिए आपको दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। किन दो चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, पहला जिस भी सिस्टम के अंदर फ्लूइड पड़ा है, जिस भी सिस्टम के अंदर फ्लूइड पड़ा है वो सिस्टम की साइज बहुत बड़ी है, द साइज ऑफ द सिस्टम इज ह्यूज, और हमारे जो फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी साइज बहुत छोटी है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि फ्लूइड कंटिन्यूम में है दो बातों का ध्यान रखना है, पहला कि जिस सिस्टम के अंदर फ्लूइड पड़ा है उसकी साइज बहुत बड़ी है और फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स क्या है, बहुत छोटे हैं। क्योंकि फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं किसके रिस्पेक्ट में, सिस्टम के रिस्पेक्ट में, आप ये मान सकते हो कि उनके बीच की दूरी बहुत कम है, द डिस्टेंस बिटवीन दी और यू कैन से इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इन केस ऑफ फ्लूइड इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल। तो उसको अगर डायग्राम के फॉर्म में बना के दिखाऊं, ये रहा, तो इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन दी फ्लूइड पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी, मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत कम है। क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत कम है आप क्या मान सकते हो, आप मान सकते हो कि ये सारे मॉलिक्यूल आपस में कांटेक्ट में है, यानी ये कंटिन्यूअसली सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। इसी को टेक्निकली बोला जाता है कंटिन्यूम। तो फ्लूइड के पास ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कि हम एनालिसिस के लिए इसको कंटिन्यूम में मान सकते हैं। तो क्या क्या बातें बताइए अभी फ्लूइड के बारे में, हमने बोला कि अ सब्सटेंस व्हिच मे बी इन लिक्विड और इन गैसियस फेस इज टर्म्ड एज फ्लूइड। सेकंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फ्लूइड के पास कैपेबिलिटी होती है कि वो डिफॉर्म करे कंटिन्यूअसली। तीसरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू हम ये मान सकते हैं कि फ्लूइड किस में रहता है, फ्लूइड कंटिन्यूम में रहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन फ्लूइड मे बी कंसिडर्ड टू बी इन कंटिन्यूम। क्लियर? साउंड तो मेरे हिसाब से चेक आ रही है, कोई इशू नहीं है साउंड के अंदर। अगर मैं ये देखती हूं थोड़ी सी नहीं है साउंड, अब तो मेरी साउंड भी चालू है। और YouTube से ही आ रही है, रिफ्रेश करो एक बार सिस्टम को, रिफ्रेश करो सिस्टम। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस,
चौथा तरीका फ्लूइड को डिफाइन करने का, फोर्थ ऑफ द मेथड, कंटिन्यूम को इजीली कैसे समझ सकते हैं? कंटिन्यूम को इजीली इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो फ्लूइड में मास है वो आपस में कॉन्टेक्ट में ही है, फ्लूइड का जो मास है वो आपस में कॉन्टेक्ट में ही है, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूम। तो एक जने ने बोला सर ये तो सॉलिड में भी होता है। हाँ बिल्कुल सॉलिड में भी होता है। तो एक जने ने ये बोला, अभी किसी ने कमेंट किया सर ये बात तो सॉलिड में भी होती है। हाँ बिल्कुल ये सॉलिड में भी होती है। तो सॉलिड में भी एनालिसिस के लिए आप बोल सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज इन कंटिन्यूम। हाउएवर जब हम एक सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूसरे सिस्टम के लिए ये चीज वैलिड नहीं बोल रहा हूं। तो अगर मैंने ये बोला कि फ्लूइड के अंदर मास कंटिन्यूम में है, तो इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सॉलिड में नहीं है। इट डजंट मीन कि ये चीज सॉलिड में वैलिड नहीं है। मैंने तो बस फ्लूइड डिफाइन करके दिया आपको कि फ्लूइड के अंदर जो मास की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूम में रहती है। तो ये प्रॉपर्टी हमारे फ्लूइड की है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रॉपर्टी किसी और मटीरियल में भी हो सकती है। हो सकता है ये प्रॉपर्टी किसी और मटीरियल में भी हो, जैसे सॉलिड के अंदर भी है, इट इज इन सॉलिड ऑल्सो। चलो अब आगे बढ़ते, विल कंटिन्यू। तो मैंने तीन तरीकों से आपको फ्लूइड को बताया, अब चौथे तरीके से हम फ्लूइड की बात करते हैं। चौथे तरीके से अगर मैं फ्लूइड की बात करूं, मैं बोल सकता हूं कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है विच डू नॉट हैव इट्स डेफिनेट शेप। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसका खुद का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। वो किसका शेप अज्यूम कर लेता है? जिस भी सिस्टम के अंदर वो बैठा हुआ होता। तो फ्लूइड का खुद का कोई शेप नहीं होता, ये उस सिस्टम का शेप अज्यूम कर लेता है जिस सिस्टम में वो बैठा होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, विल टेक एन एग्जाम्पल। अगर फ्लूइड हमारा सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो फ्लूइड की शेप सिलेंड्रिकल होगी। अगर फ्लूइड हमारा लेट अस सपोज क्यूबॉइडल कंटेनर में, तो फ्लूइड की शेप क्यूबॉइडल हो जाएगी। तो आप ये भी बोल सकते हो कि फ्लूइड वो सब्सटेंस है, वो मटेरियल है जिसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, पर वो किसकी शेप अज्यूम कर लेता है? वो शेप अज्यूम कर लेता है किसकी? कंटेनर की। तो चार तरीकों से मैंने फ्लूइड की डिस्कशन कर ली। I've discussed the fluid by four ways. देखो थोड़ा सा मैंने साउंड धीरे किया, आप चेक करो। I've reduced the sound slightly. I've reduced the sound. तेज बोलने पे आ रही है, अब मैंने slightly sound को reduce किया है। तो एक जने ने ये बोला है कि धीरे बोलने पे साउंड क्लियर आ रहा है, इसका मतलब तेज बोलने पे आ रहा है, तो मैंने साउंड धीरे कर लिया। यहां से इनपुट सिस्टम जो है उसकी साउंड धीरे कर ली। एक बार चेक करके बताना, अब भी आ रहा है? अब सही है, ठीक है। तो इससे एक चीज ये जरूर सीखने को मिलती है कि प्रॉब्लम का पार्ट नहीं बनाया जाता, सॉल्यूशन का पार्ट बनाया जाता है। एक जने ने बस बोला कि सर ये चीज पे प्रॉब्लम है, मैंने ठीक कर लिया, पर इसके अलावा बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? अब देखो शुरू में, इसके अलावा बाकी सारे लोग क्या कर रहे थे? प्रॉब्लम बता दे, सॉल्यूशन निकाल लेता। जब आपने ये बोला था तेज बोलने पे साउंड प्रॉपर नहीं है, धीरे बोलने पे आ रही है, तो मैंने साउंड धीरे कर लिया यहां से। चलो आगे बढ़ते, विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा कि फ्लूइड को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। हाउ फ्लूइड कैन बी क्लासीफाइड। आप फ्लूइड को क्लासीफाई कर सकते हो एज लिक्विड, आप फ्लूइड को क्लासीफाई कर सकते हो एज गैस, आप फ्लूइड को क्लासिफाई कर सकते हो एज आइडियल और रियल फ्लूइड। आप लिक्विड के फॉर्म में भी क्लासिफिकेशन निकाल सकते हो, गैस के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, आइडियल फ्लूइड के फॉर्म में भी निकाल सकते हो, और रियल फ्लूइड के टर्म में भी निकाल सकते हो। ये अलग अलग तरीके होते हैं हमारे फ्लूइड को क्लासिफाई करने के लिए। जैसे एक क्लासिफिकेशन क्या लिखी, एक क्लासिफिकेशन लिखी लिक्विड। अब ये लिक्विड क्या चीज है? तो हम बोल सकते हैं लिक्विड वो फ्लूइड है जिसकी खुद की कोई शेप नहीं होती, जिसकी खुद की कोई शेप नहीं होती। चलो ठीक है, ये तो गैस में भी होता है। अभी बोलेगा वही सर, तो गैस में भी होता है। हाँ, गैस भी वो फ्लूइड है जिसकी खुद की कोई शेप नहीं होती। पर लिक्विड और गैस में फर्क क्या होता है? लिक्विड और गैस में फर्क ये होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम मोर और लेस हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। लिक्विड का वॉल्यूम मोर और लेस हम कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसका मतलब ये क्या है, लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, पर गैस इज नॉट इनकंप्रेसिबल, गैस कंप्रेसिबल है। इस बात का मतलब यह हुआ कि लिक्विड का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा। द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल नॉट बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बट शेप विल बी सेम। पर गैस के अंदर शेप भी कंटेनर के शेप के बराबर होगी और वॉल्यूम भी कंटेनर के बराबर होगा।
क्लियर चीज। तो फर्क क्या आया लिक्विड और गैस के अंदर, कि भैया लिक्विड में वॉल्यूम कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे हम, थोड़ी बहुत चेंजेस आते हैं दैट कैन बी इग्नोर्ड, पर गैस के अंदर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट नहीं है, ये वेरी करती है, इट वेरीज। तो ये तो हमारी बेसिक एनालिसिस हुई फ्लूइड की। तो जितने तरीकों से हम फ्लूइड को डिफाइन कर सकते थे उतने तरीकों से मैंने फ्लूइड को डिफाइन करके दी। आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू। अब जितनी भी डिस्कशन अभी तक करी है, वॉट एवर डिस्कशन वी हैव डन, उसके बिहाफ पे प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम आपके सामने, चेक करना क्या पूछा जा रहा है, चेक व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। प्रॉब्लम बोल रहा है, अ फ्लूइड इज वन व्हिच कैन बी डिफाइंड, फ्लूइड इज वन व्हिच कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस दैट, फ्लूइड को आप डिफाइन कर सकते हो इस तरीके से कि एक ऐसा सब्सटेंस है, हैज सेम शेयर स्पेस एट ऑल द पॉइंट्स, नहीं अलग बात, कैन डिफॉर्म इनडेफिनेटली अंडर द एक्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट शेयर फोर्स, बिल्कुल सही बात, अभी डिस्कस करके आए हैं, जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड, इसमें हर पॉइंट पे शेयर स्ट्रेस सेम नहीं होता, इट कैन बी डिफॉर्म्ड इनडेफिनेटली। फ्लूइड के पास प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या कर सकता है, ये डिफॉर्म कर सकता है कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ शेयर स्ट्रेस, हैज द शेयर स्ट्रेस ऑफ स्मॉल मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन, फिर से एम्बिगुअस स्टेटमेंट, इज प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल। अब जरा बताना ये वाली स्टेटमेंट कैसी है, ये वाली स्टेटमेंट आधी सही है आधी गलत है, बात कर रहा है फ्लूइड के बारे में, पर ये वाली स्टेटमेंट किसके लिए सही है, ये वाली स्टेटमेंट तो बस लिक्विड के लिए सही है, आप लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान सकते हो, पर जो गैस है वो क्या होगी, जो गैस है वो तो हमारी कंप्रेसिबल ही होगी, गैस विल बी कंप्रेसिबल। इसका मतलब ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट गलत है, दिस एंटायर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, वैलिड फॉर लिक्विड नॉट वैलिड फॉर गैस, बिल्कुल सही बात है रुचि शर्मा, एब्सोल्युटली करेक्ट, रुचि शर्मा ने बिल्कुल सही बोला कि आखिरी वाली स्टेटमेंट लिक्विड के लिए सही है पर गैस के लिए सही नहीं है, पार्शियली ट्रू फॉर लिक्विड, चलो क्लियर, चलो पार्शियली ट्रू फॉर लिक्विड, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाओ, अगला सवाल क्या, कंटिन्यूम अप्रोच इन द फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन, सो कंटिन्यूम अप्रोच इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन, कब वैलिड होती है ये, तो कंटिन्यूम अप्रोच कब वैलिड होती है उसको देखते हैं। कंटिन्यूम अप्रोच इन फ्लूइड मैकेनिक्स इज वैलिड व्हेन द कंप्रेसिबिलिटी इज वेरी हाई, कोई डिस्कशन नहीं किया हमने कंप्रेसिबिलिटी का, देन विस्कोसिटी इज लो, अगेन the mean free path of the molecule is much smaller compared to the characteristic dimension, बिल्कुल सही बात है, अभी डिस्कस किया हमने कि कंटिन्यूम में फ्लूइड को हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हमारा सिस्टम की साइज बहुत बड़ी होती है और फ्लूइड के पार्टिकल्स की साइज बहुत छोटी होती है, तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। लेट सपोज ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है, मैंने एक एलिमेंट उठाया फ्लूइड का यहां से, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ द फ्लूइड, इनके बीच में गैप है, इनके बीच में गैप है, पर ये गैप इतना छोटा है कि आप क्या मान सकते हो, आप मान सकते हो कि मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में कांटेक्ट में हैं, सो द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर कंपेयर टू द कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, मैक नंबर इज मच मच ग्रेटर देन व्हेन देयर एम इज द मैक नंबर, अभी मैक नंबर के बारे में तो डिस्कस ही नहीं किया मैंने कुछ, अभी तो बस मैंने टॉपिक ही स्टार्ट किया अपना, जस्ट नाउ आई हैव स्टार्टेड द टॉपिक, तो जानकारी नहीं मिलेगी आपको मैक नंबर के बारे में। क्लियर है, चले आगे, शैल वी कंटिन्यू, लॉन्ग ऑप्शन इज राइट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, अंबुजा सीमेंट ऐसा कुछ मत करना कि लॉन्ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर चारों लॉन्ग ऑप्शन आ जाते फिर ये अपनी थ्योरी निकालना है कि लॉन्ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू, अपनी थ्योरी निकाली लॉन्ग ऑप्शन ही, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन से क्या फर्क पड़ता है, कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन से ये फर्क पड़ता है
अगर हमारे सिस्टम की साइज बहुत बड़ी है, यदि साइज ऑफ सिस्टम मतलब मैं बार बार सिस्टम बोल रहा हूं तो इसको भी डिफाइन कर देता हूं, जैसे लेट सपोज टैंक है, तो हमारा टैंक बड़ा है, तो टैंक की साइज बहुत बड़ी है फ्लूइड के मॉलिक्यूल से, टैंक की साइज बहुत बड़ी है फ्लूइड के मॉलिक्यूल से, इस बात का मतलब ये हुआ कि टैंक और फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच में हम किसी भी फोर्स को कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए कैरेक्टरिस्टिक साइज बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्लियर। Hence, characteristic size should be comparatively bigger. पर अगर टैंक भी छोटा है और फ्लूइड के मॉलिक्यूल का साइज भी छोटा है, जैसे एग्जाम्पल कैपिलरी ट्यूब, जैसे एग्जाम्पल कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब का साइज बहुत छोटा, फ्लूइड के मॉलिक्यूल का साइज बहुत छोटा, तो यहां पर कौन आ जाएगा पिक्चर में, यहां पे कैपिलरी फोर्सेस पिक्चर में आ जाएंगे, हियर कैपिलरी फोर्सेस विल कम इनटू द पिक्चर, तो हम इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज फ्लूइड, वो डिस्कस कर लिया। अगला पॉइंट हमारा डिस्कशन बनता है ये प्रॉपर्टीज क्या है फ्लूइड की, देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। जब हमने सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करी थी, हमने बात करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, जब आप सॉलिड मैकेनिक्स करते हो वहां पर बात करते हो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो जब भी कोई नया मटीरियल पिक्चर में आता है पहले हम बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज की, ताकि जब हम आगे बढ़े आपको जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं मास डेंसिटी, या सिंपल टर्म में डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अब क्या होती है मास डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ये रेशियो है किसका, ये रेशियो है किसका, मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, क्लियर। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर बड़ा स्क्रीन पर, बहुत चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं अगर कंसीडर करोगे तो फिर फ्लूइड कंटिन्यूम में नहीं होगा, आपकी अजम्पशन वैलिड नहीं होगी। अगर आप टैंक भी छोटी साइज का ले आओगे तो फ्लूइड के मॉलिक्यूल के बीच की जो दूरी है वो टैंक के साइज के आसपास है, तब आप फ्लूइड को कंटिन्यूम में नहीं मान सकते। पर क्योंकि हमने फ्लूइड को कंटिन्यूम में माना, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे सिस्टम की साइज बहुत बड़ी है। तो सवाल भी तो यही था, सवाल ये पूछ रहा था कि आप फ्लूइड को कंटिन्यूम में कब मान सकते हो। हम फ्लूइड को कंटिन्यूम में तब मान सकते हैं जब हमारे टैंक या सिस्टम की साइज बड़ी हो, यानी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन बड़ा हो इन कंपैरिजन टू द स्पेसिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो अगर आप मान रहे हो साइज छोटी है तो इसका मतलब फ्लूइड कंटिन्यूम में नहीं है, फ्लूइड इज नॉट कंटिन्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे हम डेंसिटी की, सो डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ व्हाट, मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हैं विद द सिंबल ऑफ रो। अच्छा इसके यूनिट की बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट द यूनिट्स, अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, मास की यूनिट केजी, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो सिंपल सा है। तो एमकेएस सिस्टम के अंदर, सीजीएस सिस्टम में बात करोगे, यू टॉक इन सीजीएस सिस्टम, तो मास किसमें आ जाएगा हमारा, किलोग्राम की जगह, किलोग्राम की जगह किसमें आ जाएगा भैया, ग्राम में आ जाएगा। ये मीटर क्यूब की जगह किसमें आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्लियर चीज। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। डेंसिटी का डायमेंशन पूछा था एसएससी जेई 2022 में, यही सवाल आएंगे वहां पे आपके एसएससी जेई एई के अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो डेंसिटी होती है लिक्विड की, इट मे बी कंसिडर्ड टू बी कॉन्स्टेंट। अभी पीछे डिस्कस भी किया था कि जो लिक्विड है हम उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ लिक्विड की डेंसिटी को वेरिएबल नहीं मानते। इसका मतलब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल, अजम्पशन है। टेम्परेचर और प्रेशर के बदलने के साथ लिक्विड की डेंसिटी भी वेरी करती है, पर वेरिएशन बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है गैसेस के अंदर, हम इसको क्या मानते हैं, कंप्रेसिबल मानते हैं। वी अज्यूम द गैस टू बी कंप्रेसिबल, so density of the liquid may be considered to be constant while that of the gases varies with temperature and pressure, clear। gram bilkul sahi baat, to is cheez ko dhyan rakhna, liquid ke liye density kya maan ke chalenge, constant maan ke chalenge, par gas ke liye constant nahi manenge, for gas it will not be constant। Yeah।
तो पहली प्रॉपर्टी आ गई फ्लूइड की हमारी डेंसिटी, इट द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड टर्म्ड एज डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। चलो आगे बढ़ते, सो विल कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। अब हम बात करेंगे, नाउ विल टॉक कि भैया ये जो डेंसिटी है वेरी कैसे करती है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ये जो डेंसिटी है कैसे वेरी करती है टेम्परेचर और प्रेशर के साथ, ये हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन बन जाता है। तो लिक्विड में हम वेरिएशन बहुत कम है इग्नोर कर देते हैं, गैसेस में वेरिएशन ज्यादा है हम कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है एज द टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्लूइड के जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है वो इंक्रीज कर जाती है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है फ्लूइड की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब फ्लूइड की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब जो स्पेसिंग है हमारे फ्लूइड के पार्टिकल के बीच में ये बढ़ जाएगी। अगर स्पेसिंग बढ़ जाएगी तो सेम वॉल्यूम में अब पहले से ज्यादा पार्टिकल होंगे या कम पार्टिकल होंगे। इस बात को समझाने के लिए मैंने क्या किया, टू मेक यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट, इस बात को समझाने के लिए मैंने फिक्स वॉल्यूम लिया। कंपेरिजन के लिए बेस सेम रखते हैं, कंपेरिजन के लिए बेस सेम रखा, दो कंटेनर है दोनों कंटेनर का वॉल्यूम सेम। पहले वाले कंटेनर के अंदर, पहले वाले कंटेनर के अंदर लेट सपोज चार मॉलिक्यूल है और इनके बीच की कुछ स्पेसिंग है। इस वाले कंटेनर में टेम्परेचर की वैल्यू है कम, दूसरे वाले कंटेनर में टेम्परेचर की वैल्यू है ज्यादा, वैल्यू ऑफ टेम्परेचर इज मोर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो पार्टिकल्स के बीच की जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी है वो बढ़ गई। जब ये मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ी पार्टिकल दूर दूर हो गए, पार्टिकल दूर दूर हो गए, अब उतने ही वॉल्यूम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए, कम हो गए। इसका मतलब पहले वाले कंटेनर में मास ऑफ पार्टिकल ज्यादा, दूसरे वाले कंटेनर में मास ऑफ फ्लूइड पार्टिकल कम। और डेंसिटी क्या होती है हमारी, डेंसिटी होती है हमारी मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब सेम जगह में कम मॉलिक्यूल होंगे फ्लूइड के, क्यों, क्योंकि अब एक्टिविटी ज्यादा है दूर दूर भाग गए, इसका मतलब डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब पहले वाले सिस्टम की डेंसिटी कम और दूसरे वाले सिस्टम की डेंसिटी ज्यादा। इसका मतलब अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो क्या होता है, अच्छा इसकी डेंसिटी कम, सो मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा, दूसरे वाले सिस्टम की मास कम तो डेंसिटी कम। इसका मतलब क्या रिलेशनशिप आ गई, रिलेशनशिप आई इफ टेम्परेचर इज लेस डेंसिटी इज मोर, इफ टेम्परेचर इज मोर डेंसिटी इज लेस। इट मीन्स व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर, द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज इनवर्स, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप आ गई। टेम्परेचर ज्यादा होगा फ्लूइड का तो डेंसिटी आपको कम मिलेगी, टेम्परेचर कम होगा फ्लूइड का तो डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, तो इनवर्स रिलेशनशिप आ गई। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, रैंडमनेस इंक्रीज कर जाएगी। बिल्कुल सही बात है कुमार सुजीत, तो मैंने बोला मॉलिकुलर एक्टिविटी बढ़ी, कुमार ने बोला कि रैंडमनेस बढ़ी, एब्सोल्यूटली करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। अब हम बात करते हैं प्रेशर का इंपैक्ट क्या है, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ द प्रेशर ओवर द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर का इंपैक्ट, लेट अस सपोज दिस इज द सिचुएशन, हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर चार मॉलिक्यूल है मास, हमारे पास वही कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर भी चार मॉलिक्यूल है मास सेम, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वही रखेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर सेम। पहले वाले कंटेनर में है प्रेशर P1 कम, दूसरे वाले कंटेनर में है प्रेशर P2 ज्यादा, तो मैंने दूसरे वाले कंटेनर के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया। अगर दूसरे वाले कंटेनर के ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया तो मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे या दूर दूर हो जाएंगे, मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम रखे पर इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया। जब इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया अब ये मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे, अगर ये मॉलिक्यूल पास पास आ गए इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया। इसका मतलब ये है कि मास तो सेम है, मास इज सेम, पर वॉल्यूम क्या हो गई यहां पर कम हो गई, यानी इस वाले सिस्टम की वॉल्यूम ज्यादा, इस वाले सिस्टम की वॉल्यूम कम। सो व्हाट अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी है मास बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब डेंसिटी क्या है, कम है, यहां पर डेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो जितना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा डेंसिटी, जितना कम प्रेशर उतनी कम डेंसिटी, तो प्रेशर और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है,
प्रेशर और डेंसिटी में रिलेशनशिप है. मोर इज द प्रेशर ऑन द फ्लूइड, मोर इज द डेंसिटी. लेसर इज द प्रेशर ऑन द फ्लूइड, लेसर इज द डेंसिटी. बिल्कुल सही बात है, वॉल्यूम कम हो जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. तो टेम्परेचर और प्रेशर के साथ डेंसिटी बदलती है, पर लिक्विड के अंदर ये वेरिएशन बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल मान लेते हैं. गैसेस में ये वेरिएशन बहुत ज्यादा निकल के आती है, इसलिए गैसेस को हम कंप्रेसिबल मानते हैं. Hence we assume the gases to be compressible. अब जितनी भी प्रॉपर्टीज की मैं बात करूंगा, वॉट एवर प्रॉपर्टीज आई बी टॉकिंग अबाउट, आपको ध्यान रखना है इन प्रॉपर्टीज की स्टैंडर्ड वैल्यू पानी के लिए और हवा के लिए. सो वॉट एवर प्रॉपर्टीज आई बी टॉकिंग अबाउट, इन सबकी आपको स्टैंडर्ड वैल्यू पता होनी चाहिए फॉर वॉटर ऑल्सो एंड फॉर एयर ऑल्सो. वैसे मैं तो ये चाहूंगा कि आपको बाकी सारे फ्लूइड्स के बारे में पता हो, पर वॉटर और एयर के ऊपर तो एक सवाल जरूर बनेगा. यू विल फाइंड अ प्रॉब्लम, डायरेक्ट प्रॉब्लम, ही विल आस्क द वैल्यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर वॉटर एंड एयर. तो मैंने स्टैंडर्ड लिख के दी है. सो वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ वॉटर इज 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 1000 केजी पर मीटर क्यूब, एंड फॉर एयर इज 1.292 केजी पर मीटर क्यूब. इसका मतलब पानी हवा से अप्रोक्सीमेटली कितने गुना भारी हो जाता है. इसका मतलब डेंसिटी ऑफ वॉटर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स मोर देन डेंसिटी ऑफ एयर. डेंसिटी ऑफ वॉटर इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम्स मोर देन डेंसिटी ऑफ एयर, कितने गुना ज्यादा है. पानी की डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली कितने गुना ज्यादा है. 10^3 / 1.292 कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है. स्टील का भी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टील फ्लूइड नहीं है, दिक्कत बस यही है. स्टील का भी इंपॉर्टेंट है, तो कंक्रीट भी इंपॉर्टेंट है. ऐसे तो भैया कंक्रीट भी इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो भैया फिर हमारा जो टिम्बर है वो भी इंपॉर्टेंट है. पर अभी बात किसकी चल रही है, अभी बात चल रही है फ्लूइड की, तो मैं फ्लूइड की बात कर. कितने टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे. 1 atmospheric प्रेशर और 0 degree Celsius. अच्छा इसमें भी एक चीज डिस्कस कर लेता हूं, डिस्कस दिस ऑल्सो, कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है, इंटरनेशनली हमने 1 atmospheric प्रेशर और 0 degree Celsius बोला. आज के टाइम पे ये प्रैक्टिस भी अबॉलिश हो गई है. इन टूडेज टाइम दिस प्रैक्टिस इज ऑल्सो अबॉलिश. कहने का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो जरूरी नहीं है 0 degree Celsius हो. तो आज के टाइम पे अबॉलिश हो गई है, बट स्टिल हम थ्योरी में उसको वही यूज करते हैं. स्टिल एवर थ्योरी विल गो लाइक दिस ओनली. तो ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो आप अपने सिस्टम के हिसाब से टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू बदल सकते हो इन टूडेज टाइम. क्लियर. तो फर्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज These sessions will be useful for mechanical engineering also. No, these sessions are only for civil engineering. This mass density was being defined only for civil engineers. Because for mechanical engineers, mass is different. Their mass starts from capital M. And mass for civil engineers starts from small m. So hence it is valid only for civil engineers. It will not be suitable for you. Aapke liye kaam nahi karega ye lecture. So we'll go for the next property. Our property we have next of the property. Next of the property of the fluid. Next of the property of the fluid is specific weight or weight density. अगली जो property है fluid की, या तो specific weight बोल सकते हो या weight density बोल सकते हो. It is one and the same thing. So specific weight and weight density. पीछे हमने क्या लिखा था अभी? पीछे हमने बोला mass density was the ratio of the mass of the fluid to the volume of the fluid. स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड. सो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ
रेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो ये रेशियो है किसका, फ्लूइड के वेट का और फ्लूइड के वॉल्यूम का। सो इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। अब वेट को मैं और क्या बोल सकता हूं, वेट कैन बी रिटन एज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप वेट ऑफ फ्लूइड को बोल सकते हो मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक ही बात है। तो हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यू कैन से स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू मास डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बस फर्क क्या है, पीछे आपने मास के टर्म में बात करी, अब आपने वेट के टर्म में बात करी। अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी कैन बी टर्म्ड एज व्हाट, कैन बी टर्म्ड एज फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी, कैन बी टर्म्ड एज फोर्स एग्जर्टेड बाय द ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब वेट ओवर द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। तो कितना फोर्स हमारी ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है, तो ये फ्लूइड है पूरा, दिस इज द फ्लूइड, कितना फोर्स हमारी ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड के ऊपर, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं स्पेसिफिक वेट। फिर से स्टैंडर्ड वैल्यू बताई, फॉर वाटर दिस स्पेसिफिक वेट इज 9.81 इनटू 10 रेज़ पावर 3। कैसे, डेंसिटी इज 1000 एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.81। उसी तरीके से फॉर एयर दिस इज इक्वल टू 12.670। कैसे निकाला, डेंसिटी इंटू जी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है एयर की, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है एयर की, पीछे कैलकुलेट करके बताई थी। फॉर एयर द डेंसिटी वॉज गिवन टू यू, फॉर एयर डेंसिटी वॉज गिवन टू यू, एयर के लिए डेंसिटी कितनी बताई थी, एयर के लिए डेंसिटी थी आपकी 1.292 केजी पर मीटर क्यूब। तो 1.292 केजी पर मीटर क्यूब को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसके साथ, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो विद 9.81। राहुल राजपूत ने बिल्कुल सही बताया, एब्सोल्युटली करेक्ट, 1.292। सो इट कम्स आउट टू बी हाउ मच, 12.670। जितनी भी वैल्यूज बता रहा हूं 110% उसमें से एक सवाल मिल जाएगा आपको, वट एवर वैल्यूज आई एम डिस्कसिंग यू विल गेट वन डेफिनेट प्रॉब्लम फ्रॉम दैट। तो चाहे मास डेंसिटी बोल दो मास पर यूनिट वॉल्यूम, वेट डेंसिटी बोल दो वेट पर यूनिट, यू कैन से वेट पर यूनिट, क्लियर। चलो बहुत बढ़िया बात, आगे बढ़ते हैं। निधि रावत 9.81 बिल्कुल सही बात है, 9.81। चलिए आगे, तारिक 1.292 सही बात है तारिक। नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, नेक्स्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इज स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगली जो प्रॉपर्टी हमारे फ्लूइड की उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ, स्पेसिफिक वॉल्यूम इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ अवर वेट डेंसिटी। अभी करके आयो वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी वॉज वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। अब ध्यान रखना यहां पर एक टर्म आई है, हियर वन टर्म इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, और ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक का मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब है प्रॉपर्टी। तो स्पेसिफिक का मतलब है कि आप प्रॉपर्टी कैसे निकालोगे, प्रॉपर्टी इज मेजर्ड, प्रॉपर्टी इज मेजर्ड पर यूनिट क्वांटिटी, पर यूनिट क्वांटिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो प्रॉपर्टी क्या बनी हमारी, वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम को मेजर करोगे कैसे, पर यूनिट क्वांटिटी के फॉर्म में। और क्वांटिटी कैसे लिख सकता हूं मैं, क्वांटिटी लिख सकता हूं मास के फॉर्म में, क्वांटिटी लिख सकता हूं मैं वेट के फॉर्म में, क्वांटिटी लिख सकता हूं मैं डिस्चार्ज के फॉर्म में। सो क्वांटिटी कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ डिस्चार्ज एंड सो ऑन, देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू रिपोर्ट द क्वांटिटी। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज डिफाइंड एज वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। तो ये तो इनवर्स लिखा हुआ है किसका, ये तो इनवर्स लिखा हुआ है किसका, दिस इज द इनवर्स ऑफ व्हाट, दिस इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक वेट, ये इनवर्स हो गया हमारे स्पेसिफिक वेट। तो उसके यूनिट भी क्या हो गए, इसके यूनिट भी जस्ट अपोजिट हो गए, इसके यूनिट्स क्या निकल के आ रहे हैं, मीटर क्यूब पर न्यूटन, पीछे क्या था न्यूटन पर मीटर क्यूब,
इन द प्रीवियस केस द यूनिट वाज व्हाट न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ऐसा यूनिट क्या थी पीछे न्यूटन पर मीटर क्यूब थी, तो यहां पे मीटर क्यूब पर न्यूटन हो गया, सो दिस मीटर क्यूब पर न्यूटन। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है, वेरी सिंपल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय यूनिट वेट। अभिषेक प्रजापति बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। राहुल राजपूत ने बोला वन बाय रो जी, इसने भी बिल्कुल सही बोला। दीपक यादव वन बाय रो, हाँ वन बाय रो भी बोल सकते हो, बिल्कुल सही बात। तो सबको ये बात पता है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तीन स्टार वाली प्रॉपर्टी है। क्या तीन स्टार वाली प्रॉपर्टी? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपका सिविल इंजीनियरिंग का जिसमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बीच में नहीं है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी का, आपके इंजीनियरिंग का, जिसमें ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बीच में नहीं है। हर जगह आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी। Is unit weight and specific weight are same? बिल्कुल, unit weight और specific weight same होते हैं। अभी पीछे मैंने बताया था शायद आपको, I've discussed this point also. Unit weight, specific weight पीछे बता गया था। चलिए आगे। अच्छा, specific gravity की बात कर रहे थे। We were talking about specific gravity. स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का सिग्निफिकेंस क्या है सर दोनों का? दोनों बेटा देखो, आपके कमेंट इतने सारे आते हैं, जब आप बोल रहे हो ना कि सिग्निफिकेंस क्या है दोनों का, तो वो आपका पहले वाला मैसेज तो जा चुका होता है, इसलिए अपना पूरा जो डाउट है एक साथ दिखा करो। आधा डाउट एक मैसेज में, आधा डाउट दूसरे मैसेज में लिखोगे तो समझ में नहीं आएगा। अपना पूरा डाउट एक साथ मेंशन किया। सिग्निफिकेंस क्या है दोनों का? देखो सिग्निफिकेंस क्या है दोनों का, अभी कितने बैठे पूछा सिग्निफिकेंस क्या है, पकड़ता हूं मैं इसे, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है दोनों का, नाम क्या था पता नहीं, हाँ अंबुजा सीमेंट ने पूछा है। देखो अंबुजा सीमेंट, क्या सिग्निफिकेंस है दोनों की, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ। अभी जब मैं आपको पीछे समझा रहा था बाय डिस्कसिंग, आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स, जब मैं टेम्परेचर का अफेक्ट देख रहा था डेंसिटी के ऊपर, जब मैं टेम्परेचर का अफेक्ट देख रहा था डेंसिटी के ऊपर, मैंने मास को कांस्टेंट बनाया था या वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया था? अंबुजा सीमेंट बनाएगा, इसके अलावा अगर किसी और सीमेंट ने जवाब दिया फिर देखना, सिर्फ अंबुजा सीमेंट बताएगा इसका जवाब ना, इसके अलावा हाँ इसके अलावा और कोई सीमेंट, कोई और कंक्रीट, कोई और सील जवाब नहीं देगा। जब मैं टेम्परेचर का वेरिएशन देख रहा था डेंसिटी के ऊपर, मैंने मास को कांस्टेंट बनाया था, वॉल्यूम को कांस्टेंट बनाया था। अरे हाँ वही बता रहा हूं, आई एम डिस्कसिंग दैट ओनली। हाँ स्पेसिफिक वॉल्यूम का सिग्निफिकेंस ही डिस्कस कर रहे हैं, और अंबुजा सीमेंट ने सबसे पहले यह सवाल पूछा था, तो अंबुजा सीमेंट से मैंने ये पूछा, जब टेम्परेचर के इफेक्ट को हम डेंसिटी के ऊपर देख रहे थे, मैंने मास कॉन्स्टेंट बनाई थी या वॉल्यूम कॉन्स्टेंट बनाई थी? वॉट वॉज बींग कैप्ट कॉन्स्टेंट, क्या चीज कॉन्स्टेंट रखी गई थी? जल्दी बताओ फटाफट, एक तो लैग आता है यूट्यूब में, फटाफट आंसर नहीं आता, ऑलवेज देयर इज अ लैग। गायब हो गया अंबुजा सीमेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था, हाँ बता दिया उसने, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था। जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, व्हेन यू हैव केप्ट वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास में वेरिएशन देख रहे हो, तो कौन आ जाएगा पिक्चर में? वॉल्यूम कांस्टेंट है, मास में वेरिएशन देख रहे हो, तो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे डेंसिटी की, विल टॉक इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। और जब प्रेशर का वेरिएशन देखा था हमने डेंसिटी के ऊपर, मास कांस्टेंट रखा था या वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था? हमने रखा था मास को कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में वेरिएशन देख रहे थे, मास कांस्टेंट रखा था। अब कौन पिक्चर आ जाएगा बीच में? अब पिक्चर में आ जाएगा हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम की, क्योंकि अब आपने किसको कांस्टेंट रखा हुआ है? मास को कांस्टेंट रखा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट मास ऑफ द फ्लूइड, ये भी तो बोल सकता हूं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्लियर है चीज? तो कई बार ऐसा सिस्टम आता है, हमें बात करनी पड़ती है स्पेसिफिक वेट के टर्म में, कई बार ऐसा सिस्टम आता है जब हमें बात करनी पड़ती है स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म। ये डिपेंड कर जाता है आप किस पैरामीटर को कांस्टेंट रख रहे हो, किस पैरामीटर को वेरी कर।
क्लियर है? तो ये सिग्निफिकेंस आ गई आपके स्पेसिफिक वॉल्यूम की, जैसे कि सिग्निफिकेंस ऑफ योर स्पेसिफिक वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं, वी कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे थे किसकी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की। आई वाज टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले तो आपको लेमन लैंग्वेज में बताता हूँ, सर वीडियो एंड चैट में लैग आ जाता है। हाँ, तो मेरे को भी तो ये दिक्कत हो रही है, मैं जब आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल खत्म होता है, पांच मिनट बाद आप जवाब देते हो कोई पिछले वाले सवाल का, तो अब ये मेरे हाथ में है नहीं, तो यूट्यूब की इशू है, इट इज इशू ऑफ यूट्यूब कि वीडियो और चैट में लैग आता ही आता है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, सारी चीजें नहीं मिल सकती हमें। हम बात कर रहे थे स्पेसिफिक ग्रेविटी की, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी। वी कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी इज अ पैरामीटर विच टेल्स अस, जो हमें बताता है कि कोई सा भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कितना भारी है और कितना हल्का है। फिर से रिपीट करता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी वो पैरामीटर है जो हमें बताता है कोई सा भी एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के रिस्पेक्ट में कितना भारी है या कितना हल्का है। सो यू कैन से स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट और मास, कुछ भी बोल सकते हो, चाहे वेट बोल दो चाहे मास बोल दो, इट इज वन द सेम थिंग। तो आप बोल सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड अंडर कंसिडरेशन टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो आप स्टैंडर्ड फ्लूइड के रिस्पेक्ट में यह पता कर रहे हो कि आपका वाला फ्लूइड कितना भारी है या कितना हल्का है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बनी हमारी, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या बनी, आगे बढ़े तो बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, चला गया स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये रहा, तो बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिफाइंड एज व्हाट, इज डिफाइंड एज वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। क्लियर चीज? तो ये रेशियो है वेट ऑफ योर लिक्विड, कंसर्न्ड लिक्विड टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड। अब हम स्टैंडर्ड लिक्विड किसको लेके चलते हैं, हमेशा हम स्टैंडर्ड लिक्विड लेके चलते हैं पानी। हाँ, पर सवाल में आप ये स्टैंडर्ड लिक्विड चेंज कर सकते हो और चेंज करके देगा। तो हम कंसीडर करते हैं पानी को एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो रेफरेंस है वो पानी है, कोई भी पार्टिकल वाटर के रिस्पेक्ट में कितना हैवी है कितना, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी बताएगी। बिल्कुल अभिजीत गुप्ता, पर आपने ये आधी बात बोली, आपने आधी बात बोली, कहने का मतलब ये है आपने बोला कोई सा भी सॉलिड पानी के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, अभी हम फ्लूइड की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे कोई सा भी फ्लूइड, फ्लूइड में भी क्या उठा लिया, लिक्विड, पानी के रिस्पेक्ट में कितना भारी है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गई लिक्विड की। अगर गैस के टर्म में बात करेंगे, कोई सी भी गैस, सो वेट ऑफ द गैस टू द वेट ऑफ द स्टैंडर्ड गैस, स्टैंडर्ड गैस मतलब एयर, तो स्टैंडर्ड लिक्विड पानी, स्टैंडर्ड लिक्विड एयर, इसका मतलब क्या हुआ, आप बोल सकते हो इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट ऑफ द वाटर। तो इसके यूनिट क्या हुए, कितने टाइम्स ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट्स क्या हुए, भैया स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई यूनिट ही नहीं हुए, ये तो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूनिट्स कुछ भी नहीं है, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो आगे मेंशन भी किया, फॉर लिक्विड स्टैंडर्ड इज प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर गैसेज स्टैंडर्ड इज एयर और हाइड्रोजन 4 डिग्री सेल्सियस पे, बिल्कुल सही बात, एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज फ्लूइड की बात चल रही है सर। क्लियर है पूरी कहानी? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, क्योंकि हमने बात करी, सिंस वी हैव टॉक्ड अबाउट वेट, वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट ऑफ द वाटर, अभी मैंने पीछे बताया था जब कंपैरिजन करते हैं बेस क्या लेके चलते हैं, निधि रावत अब तुम बताना, जब कंपैरिजन करते हैं बेस क्या लेके चलते हैं, सेम लेके चलते हैं। जिन भी दो लिक्विड को कंपेयर कर रहे हो, तो हमने बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड टू द वेट ऑफ द वाटर, पर ध्यान रखना है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। जिन भी दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो उसका वॉल्यूम क्या लेके चलोगे, आप सेम लेके चलोगे, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ मस्ट बी सेम। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या लिख सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड, तो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिख सकते हैं वेट ऑफ लिक्विड टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू द वेट ऑफ वाटर,
देखो क्या किया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई किया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से डिवाइड किया। अब क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर के बराबर है, रिप्लेस कर दिया, ये डिवाइड हुआ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से, ये डिवाइड हुआ वेट ऑफ वाटर से। सो वेट टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस इज नोन एज व्हाट, यूनिट वेट ऑफ लिक्विड। वेट ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस और वो बढ़ती रहेगी, वो बदलती रहेगी रहती होगी, ऐसा नहीं है सबका कोई स्टैंडर्ड गैस ले लिया जाए। हाँ, एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैस, इसीलिए आपने किसको स्टैंडर्ड माना हुआ है, बिल्कुल सही बात बोली बाबूलाल ने, एयर मिक्सचर है गैस का, तो हमने कौन सी गैस को स्टैंडर्ड ले रखा, हमने हाइड्रोजन गैस को स्टैंडर्ड ले रखा। अब आप बोलोगे सर गैस का वॉल्यूम तो चेंज होता रहता है, बिल्कुल वॉल्यूम चेंज होता रहता है, तो उसके वॉल्यूम को पकड़ने के लिए क्या किया, वॉल्यूम के पकड़ने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर भी फिक्स कर दिया। तो एयर के अंदर आप कौन सी गैस उठाओगे, हाइड्रोजन गैस उठाओगे, क्लियर चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी। अगली बात, अभी हमने डिस्कस किया ये जो यूनिट वेट है लिक्विड का और पानी का, अभी हमने डिस्कस किया ये जो यूनिट वेट है लिक्विड का और पानी का, ये तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, पीछे करके आ जाए अभी। अब क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, सिंस इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बतानी पड़ेगी, यू हैव टू रिपोर्ट द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये नीचे नोट लिखा है, सिंस वेट डेंसिटी एंड मास डेंसिटी वेरीज विद टेम्परेचर, हेंस टेम्परेचर इज ऑल्सो रिपोर्टेड व्हेन स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रिपोर्टेड। जैसे लिक्विड के लिए वाटर है, गैस के लिए स्टैंडर्ड है, देन सॉलिड्स के लिए क्यों लिक्विड रेफरेंस लेते हैं, बेटा ये किसने बोला सॉलिड के लिए लिक्विड रेफरेंस लेते हैं, भैया वो तो सेडिमेंटेशन टैंक में सॉलिड पानी के अंदर सेटल हो रहा था, इसलिए आपने पानी के रिस्पेक्ट में निकाला, तो अपनी थ्योरी बना ली इसके ऊपर, यही मैं बोल रहा था कि अपनी थ्योरी क्यों डेवलप कर लेते हो, आपने ये बात देखी बस सेडिमेंटेशन टैंक में, तो सेडिमेंटेशन टैंक में तो सॉलिड सेटल कर रहा था पानी के अंदर, इसलिए सॉलिड की वेट मैंने पानी के वेट से कंपेयर करी, जरूरी थोड़ी मैं पानी से कंपेयर करूंगा भाई, नॉट नेसेसरी। लेट सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिसमें सॉलिड सेटल हो रहा है बिटुमन के अंदर, तो ये सॉलिड सेटल हो रहा है बिटुमन के अंदर, तो अब तो मैं सॉलिड की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताऊंगा बिटुमन के रिस्पेक्ट में, ये किसने बोला पानी लेके चलते हैं हमेशा, भैया वो तो आपने एक एग्जांपल देखा, वो एग्जांपल को बेस बनाया और अपनी थ्योरी डेवलप कर ली उसके ऊपर, भैया ऐसा नहीं होता, इट इज नॉट द केस। तो सॉलिड के लिए आप लिक्विड भी ले सकते हो, सॉलिड के लिए तो भैया सॉलिड में थोड़ी सेटल हो रहा है, सॉलिड में थोड़ी सेटल हो रहा है, वो तो मेरे को सेडिमेंटेशन की थ्योरी डेवलप करनी थी, इसलिए मैंने सॉलिड को ये बताया कि वो पानी के रिस्पेक्ट में भारी है, इसलिए वो सेटल हो जाएगा। अब बोल रहे थे सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं बताया, भैया मैं सेडिमेंटेशन में सॉलिड के रिस्पेक्ट में क्यों बताऊंगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, सॉलिड तो पानी में सेटल हो रहा था ना। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, तुम ये अपना कंटिन्यू करो, यहां से भी थ्योरी डेवलप करना और आगे जाके चुपकाना उसे, कंटिन्यू करते हैं। तो कितनी प्रॉपर्टी हो गई हमारी, चार प्रॉपर्टीज हो गई है, फोर प्रॉपर्टीज भी अपन, अब इसके ऊपर सवाल देखते हैं, विल सी द प्रॉब्लम ऑन दिस। क्या है सवाल, इफ 850 kg liquid ऑक्यूपाइज वॉल्यूम ऑफ 1 meter cube, अगर 850 kg लिक्विड ऑक्यूपाई कर रहा है वॉल्यूम 1 cubic meter का, देन 0.85 रिप्रेजेंट्स व्हाट। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, वेट ऑफ लिक्विड टू द वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ लिक्विड 850 kg, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1 meter cube पानी का, 1 meter cube पानी का वेट कितना होता है, 1000 kg, तो डिवाइड बाय 1000 kg, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ गई, 0.85 आ गई स्पेसिफिक ग्रेविटी।
अब ऐसे सवाल, दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग आस्क्ड, क्लियर है? चलो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. इस चैप्टर की बोल रहा हूं किसके हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी. तो उसको हम डिस्कस भी डिटेल में करेंगे, वी टॉक अबाउट दिस प्रॉपर्टी इन डिटेल. डिटेल में इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं ताकि सारे सवाल बन जाए आपके. चलो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है भैया ये विस्कोसिटी क्या होती है. What is being termed as viscosity? पहली चीज, viscosity is defined as the property of the fluid which offers the resistance to the movement of one layer of fluid over the adjacent layer of the fluid. फिर से रिपीट कर रहा हूं, viscosity वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिससे ये रेजिस्टेंस ऑफर करती है फ्लूइड की एक लेयर के ऊपर जो दूसरी लेयर के एडजेसेंट मूव कर रही है. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं, इसको हम टेक्निकली बोल देते हैं विस्कोसिटी. तो ये विस्कोसिटी है किसकी वजह से, ये विस्कोसिटी होती है लिक्विड के अंदर बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोहेजन, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज कोहेजन. और ये प्रॉपर्टी गैसेस में क्यों होती है, बिकॉज ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज. क्लियर है चीज, रिपीट करना है इस पर कुछ भी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, कि विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जिससे ये एक लेयर को रेजिस्टेंस ऑफर करेगी जो दूसरी लेयर के ऊपर चल रही है. अच्छा भैया रेजिस्टेंस क्यों आया, इस रेजिस्टेंस को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. टेक एन एग्जांपल, लेट अस सपोज ये लिक्विड है, जैसे थी लिक्विड, ये मेरे लिक्विड के मॉलिक्यूल है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप नहीं होने देता, उसको रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी. पर गैसेस में रीजन ये नहीं है, ये रीजन है लिक्विड के अंदर, दिस इज द रीजन इन लिक्विड. बट व्हाट इज द रीजन इन गैस, गैस में एक लेयर दूसरी लेयर को रेजिस्टेंस देती है किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द मोमेंटम एक्सचेंज. ये जाके टकराती है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा है जिसकी वजह से एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर नहीं चल पा रही. तो गैसेस में ये विस्कोसिटी आती है बिकॉज ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज. क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें कुछ भी, आगे बढ़ते. इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विस्कोसिटी, विस्कोसिटी और रिलेटिव मोशन दो लेयर के बीच में क्या डेवलप करा देगा, विस्कोसिटी और रिलेटिव मोशन दो लेयर के बीच में क्या डेवलप करा देगा, दो लेयर के बीच में रेजिस्टेंस डेवलप करा देगा. उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं, विस्कोसिटी बोल देते हैं. इस बात को समझने के लिए लेट अस सपोज मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखाई. तो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट अस सपोज किसी एक मीडियम में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, किसी भी एक मीडियम में प्लेट, मैंने एक प्लेट रखी हुई है, इस प्लेट के ऊपर पानी चल रहा है. सो ओवर दिस प्लेट वाटर इज मूविंग, तो ये प्लेट चल रहा है, पानी चल रहा है प्लेट के ऊपर. मैंने आपको वेलोसिटी प्रोफाइल बना के दिखाई, सीधी वेलोसिटी प्रोफाइल, किसी भी डेप्थ वाई पे वेलोसिटी कितनी है u, किसी भी डेप्थ वाई पे वेलोसिटी है u, और dy डिस्टेंस ऊपर जाने पे वेलोसिटी कितनी हो गई, u प्लस du. यानी ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज्यादा है, ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी है u प्लस du, और नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी क्या है, u. इसका मतलब दोनों लेयर के बीच में क्या हुआ, रिलेटिव मोशन हुआ. तो ऊपर वाली लेयर ज्यादा तेजी से आगे जा रही है, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस लगाएगी. और ये रेजिस्टेंस कहां लगेगा, ये रेजिस्टेंस लगेगा हमारा बैकवर्ड डायरेक्शन, ये रेजिस्टेंस लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में. ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे मूव कराएगी, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे मूव कराएगी, तो नीचे वाली लेयर के ऊपर रेजिस्टेंस कहां डेवलप होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. इसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज विस्कोसिटी. तो ये विस्कोसिटी किस वजह से आई,
ये विस्कोसिटी एक तो रिलेटिव मोशन की वजह से आई, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, और अगर लिक्विड है तो कोहेजन, अगर गैसेज है तो मोमेंटम ट्रांसफर, इट इज बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ट्रांसफर. कोलिजन का मतलब होता है टकराना, कोलिजन का मतलब होता है टकराना. जैसे एग्जांपल, आप बहुत तेजी से जा रहे हो, आप रोड के ऊपर बहुत तेजी से भाग रहे हो, आपका एम है रेस जीतना, रास्ते में आके किसी ने आपको टक्कर मार दी, गिर जाओगे नीचे, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम ट्रांसफर. तो आपको रेजिस्टेंस मिली, दोबारा उठोगे दोबारा भागोगे, दोबारा उठोगे दोबारा भागोगे, पर इस बार जितनी तेजी से पहले भाग रहे थे उतनी तेजी से नहीं भाग पाओगे, या पहले जल्दी पहुंच रहे थे अब देर से पहुंचोगे. तो आप क्या बोलोगे भैया, रेजिस्टेंस मिली, रेजिस्टेंस मिली किसके अगेंस्ट, दौड़ने के अगेंस्ट. मोमेंटम एक्सचेंज को कोलिजन कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं धनंजीव, मोमेंटम एक्सचेंज को कोलिजन बोला जा सकता है. विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन, बिल्कुल विस्कोसिटी इज लाइक फ्रिक्शन होगी. फ्रिक्शन इन द केस ऑफ द फ्लूइड इज टर्म्ड एज विस्कोसिटी, इसको विस्कोसिटी बोला जाता है. क्लियर है चीज, रिपीट करना है इसमें से कुछ भी. तो विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है एक लेयर को दूसरे लेयर के ऊपर मूव करने के लिए. चले आगे, तो विस्कोसिटी बिल्कुल फ्रिक्शन की तरह, तो सॉलिड में जैसे आप फ्रिक्शन बोल देते हो, यहां पर क्या आ जाता है, विस्कोसिटी आ जाता है. वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मोमेंटम, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे से टकराएगा तो मोमेंटम का ट्रांसफर होगा. अभिजीत गुप्ता बिल्कुल सही बात है, एक लेयर की कैसे ज्यादा है वेलोसिटी, एक लेयर की ज्यादा कैसे है वेलोसिटी, इस बात को वैसे हम आगे डिस्कस करते हैं. आई वुड हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन द फर्दर टॉपिक, बट स्टिल अब आपने पूछा कि सर एक लेयर की वेलोसिटी दूसरी लेयर से ज्यादा क्यों है. एक लेयर की वेलोसिटी दूसरी लेयर से ज्यादा होने के पीछे रीजन है कि जो फ्लूइड का पार्टिकल हमारे सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है, जो फ्लूइड का पार्टिकल हमारे सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है उसकी वेलोसिटी सॉलिड की वेलोसिटी के बराबर ही होगी. तो जो फ्लूइड का पार्टिकल हमारे सॉलिड के कॉन्टेक्ट में है, इस फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी हमारे सॉलिड की वेलोसिटी के बराबर ही होगी, और हमारा सॉलिड रुका हुआ है, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको टेक्निकली बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन. यानी जहां पर फ्लूइड सॉलिड के कॉन्टेक्ट में होगा दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी, दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी. इस बात का मतलब क्या है, दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे. अगर दोनों एक वेलोसिटी से चल रहे हैं दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई. तो अगर मेरा सॉलिड रुका हुआ है मतलब फ्लूइड भी क्या होगा, रुका हुआ मिलेगा. तो इसको टेक्निकली बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन. क्लियर है चीज. डायरेक्शन ऑफ विस्कोसिटी कैसे लिया है सर, बेटा विस्कोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, वो शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन है. ये विस्कोसिटी की डायरेक्शन नहीं है, ये शेयर स्ट्रेस की डायरेक्शन है, इट इज नॉट विस्कोसिटी. कैसे लिया है, ऊपर वाली लेयर तेज भाग रही है, नीचे वाली लेयर धीरे भाग रही है, तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को क्या करेगा, पीछे खींचेगा. नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर से धीरे भाग रही है तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर को आगे खींचेगी, तो फोर्स आगे निकल गया. दिस इज द फोर्स. क्लियर, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, बिल्कुल सही बात है. तो आपने पूछ लिया, मैंने ये जानकारी दे दी. आई गिव यू नो स्लिप कंडीशन मतलब जहां पर भी फ्लूइड सॉलिड के कॉन्टेक्ट में आएगा वहां पर फ्लूइड और सॉलिड के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होगा, यानी वो स्लिप नहीं करेगा उसके ऊपर. तो अगर सॉलिड रुका हुआ है तो फ्लूइड भी रुका हुआ होगा, सॉलिड चल रहा है तो फ्लूइड भी चल रहा होगा उसी वेलोसिटी के साथ. क्लियर सर. विस्कोसिटी का रीजन रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स और कोहेजन. विस्कोसिटी का रीजन है कोहेजन एंड मोमेंटम ट्रांसफर. विस्कोसिटी का रीजन मेंशन भी किया हुआ है, कोहेजन एंड मोमेंटम ट्रांसफर. विस्कोसिटी और रिलेटिव मोशन मिलके क्या डेवलप करते हैं, मिलके डेवलप करते हैं शेयर फोर्स या शेयर स्ट्रेस. वो अगला पॉइंट लिखा, देखो विस्कोसिटी और रिलेटिव मोशन कॉजेस व्हाट, शेयर स्ट्रेस. तो रिलेटिव मोशन इज नॉट द रीजन फॉर विस्कोसिटी, कोहेजन एंड मोमेंटम ट्रांसफर इज द रीजन फॉर विस्कोसिटी. मोमेंटम एक्सचेंज का एक और एग्जाम्पल दीजिए. मोमेंटम एक्सचेंज का बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल. तो मेरे एक दोस्त ने पूछा सर मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल दो, तो देखो मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल. तो मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल देता हूं मैं, आई एम गिविंग यू द एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज.
सो एग्जाम्पल ऑफ मोमेंटम एक्सचेंज, मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल चाहिए ने, मोमेंटम एक्सचेंज का एग्जाम्पल जरा बताना मैंने क्या बना के दिखाया आपको यहाँ पे, व्हाट इज बीइंग ड्रॉन हियर। अभी मैंने क्या बना के दिखाया, अभी मैंने आपको इंटरसेक्शन बना के दिखाई, अभी मैंने आपको क्या बना के दिखाई, इंटरसेक्शन बना के दिखाई। तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन देखो, इंटरसेक्शन पे हमारी व्हीकल चल रही है, इंटरसेक्शन पे हमारा व्हीकल चल रहा है, बस चल रहा था ये, बस 80 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, अंदर गाने चल रहे थे और साथ में कॉफी भी पी रहा था, बाहर के नजारे भी दिख रहा था, बारिश हो रही थी, बारिश हो रही थी। यहां से ये स्कूटर वाला आया, यहां से ये स्कूटर वाला आया और इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके स्कूटर वाला भी मस्त घूम रहा था अपना। यहां पे जब स्कूटर वाला आया, ये अपने घर जाने की जगह, ये अपने घर जाने की जगह देखो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ इसका, दिस इज नोन एज मोमेंटम ट्रांसफर, इसको मोमेंटम ट्रांसफर बोलते हैं। तो आपके व्हीकल ने अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया दूसरे व्हीकल के ऊपर, तो इस वाले व्हीकल को क्या मिली, रेजिस्टेंस मिली, दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये आपका एग्जांपल बन गया मोमेंटम ट्रांसफर का, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर। चले आगे, तो ऐसे ही हमारे गैस के अंदर भी होता है, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हैपेंस इन द गैस। ये हमारे गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है, तो एक लेयर है गैस के मॉलिक्यूल की, मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, मूविंग इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहां से दूसरा गैस का मॉलिक्यूल आया, टकराया जाके उससे, टकराया, अब ये वाले गैस का मॉलिक्यूल जा नहीं सकता इधर, तो इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर क्या मिली, रेजिस्टेंस मिली, इसको मोमेंटम ट्रांसफर बोलते हैं, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मोमेंटम ट्रांसफर। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गया, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो विस्कोसिटी डिस्कस कर ली, अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि जो हमारी शेयर स्ट्रेस है ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, हमारी शेयर स्ट्रेस है फ्लूइड के एलिमेंट के ऊपर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलती है कि जो हमारे फ्लूइड के एलिमेंट के ऊपर शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाला पॉइंट कौन सा बेटा, पूरी स्टेटमेंट लिखा करो ना, गैस में कोएसिव फोर्सेस नहीं होते क्या बेटा, गैस में भी पीछे बताया ना गैस कैसी है, कंप्रेसिबल है, तो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है, कोएसिव फोर्सेस इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं, इन केस ऑफ गैसेस डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कंपैरेटिवली मच हायर, हेंस कोएसिव फोर्सेस आर इनसिग्निफिकेंट, इसलिए वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बोलता है कि जो शेयर स्ट्रेस है, द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, ये बात तो हमें समझ में नहीं आई, इस बात को समझने के लिए फिर से कैलकुलेशन करते, हमारी जो ऊपर वाला एलिमेंट था उसकी स्पीड कितनी थी, हमारा जो ऊपर वाला एलिमेंट था उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी स्पीड थी यू प्लस डी यू, जो नीचे वाला एलिमेंट था फ्लूइड का उसकी स्पीड कितनी थी यू, तो ऊपर वाला एलिमेंट, ये देखो राहुल रे ने बिल्कुल बढ़िया एग्जांपल दिया, राहुल रे एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आया, कैरम, कैरम में जब स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से, जो स्ट्राइकर का मोमेंटम है वो ट्रांसफर होता है किसके ऊपर, जो स्ट्राइकर का मोमेंटम है वो ट्रांसफर हो जाता है आपकी बाकी की पॉइंट्स के ऊपर या गोटियों के ऊपर, उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर बोलते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज मोमेंटम ट्रांसफर। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ऊपर वाली लेयर मूव कर रही थी विद द वेलोसिटी ऑफ यू प्लस डी यू, तो ये डी टी टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यू प्लस डी यू इंटू डी टी। नेक्स्ट नीचे वाली लेयर कितनी दूरी चलेगी डी टी टाइम में, यू इंटू डी टी, तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के कंपेरिजन में कितनी दूरी ज्यादा चली, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ज्यादा चली, डी यू इंटू डी टी।
दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस थी डी वाई। दोनों लेयर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? डी वाई। अगर ये एंगल हमारा थीटा है, अगर ये एंगल हमारा थीटा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, मैं इसको क्या बोलूंगा? स्ट्रेन बोलूंगा। जैसे स्ट्रेस होती है वैसे हमारी स्ट्रेन है, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेन। तो ये हमारी स्ट्रेन है जो मुझे क्या बताती है? डिफॉर्मेशन बताती है। अच्छा, कौन सी स्ट्रेन है? शियर स्ट्रेन है। कौन सी स्ट्रेन है? शियर स्ट्रेन है। क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है, सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू टेन थीटा, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइन थीटा। कितनी वैल्यू है इस ट्राइंगल में? ये 90 डिग्री है, ये है डी यू डी टी और ये है डी वाई। तो अगर मैं टेन थीटा लगाऊं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डी यू डी टी अपॉन डी वाई, सो डी यू डी टी अपॉन डी वाई, तो स्ट्रेन इज इक्वल टू डी यू डी टी अपॉन डी वाई। सो रेट ऑफ स्ट्रेन डी थीटा बाई डी टी किसके बराबर होगा? तो रेट ऑफ स्ट्रेन, इसको आप थीटा बोल दो या डी थीटा बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात। तो रेट ऑफ स्ट्रेन विच इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, सो डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू वॉट? तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाय डी वाई। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, दिस इज नोन एज रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो न्यूटन्स लॉ ये बोलता है कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन किसके बराबर है? रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बराबर है हमारे डी यू बाई डी वाई के। और ये डी यू बाई डी वाई क्या कहलाती है? डी यू बाई डी वाई कहलाती है वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो दिस इज टर्म्ड एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आप बोल सकते हो एज पर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। कुछ भी बोल दो, एक ही बात, इट इज वन एंड द सेम थिंग, इसका मतलब एक ही चलता है। अब क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं क्या आ जाएगा बीच में? अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा क्या आ जाएगा बीच में? इफ आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी साइन, मैं एक कांस्टेंट को लगा दूंगा। और वो कांस्टेंट क्या होती है? विस्कोसिटी होती है या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है। तो कांस्टेंट विस्कोसिटी और यहां से क्या आया? डीयू बाय डीवाई। और क्या लिख सकते हो? म्यू डी थीटा बाय डी टी। दिस इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ये हमारी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। तो वो फ्लूइड जो इस न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है मतलब इस फ्लूइड के अंदर जो हमारी शेयर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के, उसको मैं बोल दूंगा न्यूटोनियन फ्लूइड। दिस विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज न्यूटोनियन फ्लूइड। अब न्यूटोनियन फ्लूइड कौन कौन से? जैसे हमारे वाटर, जैसे हमारा एयर, जैसे मर्करी, जैसे पेट्रोल, जैसे गैसोलिन, ये सारे के सारे फ्लूइड क्या होते हैं? न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। और जो फ्लूइड इस न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करे उसे हम बोलते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। कॉन्स्टेंट, बिल्कुल सही बात। तो ये हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हो, अभी आगे बताऊंगा। तो आइदर यू कैन से विस्कोसिटी और यू कैन से डायनेमिक विस्कोसिटी, इट इज वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात। आप विस्कोसिटी भी बोल सकते हो, आप डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोल सकते हो। फ्लूइड की स्ट्रेन टाइम पे डिपेंड करती है क्या? बेटा अभी पीछे बताया तो था, टॉपिक ही यही से स्टार्ट किया था अंबुजा सीमेंट, तुमने देर से ज्वाइन किया। फ्लूइड को डिफाइन कैसे किया था? हाउ फ्लूइड वॉज बीन डिफाइंड? भाई दूसरी डेफिनेशन बताई थी फ्लूइड की। द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द फ्लूइड वाज दिस ओनली, कि फ्लूइड इज केपेबल ऑफ डिफॉर्मिंग कंटिन्यूअसली अंडर द एक्शन ऑफ द शियर स्ट्रेस। फ्लूइड वो मटेरियल है जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है अंडर द एक्शन ऑफ व्हाट? शियर स्ट्रेस। तो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन है ना, मतलब डिफॉर्मेशन किसके साथ चल रही है? टाइम के साथ चल रही है। तो इसका मतलब उसमें स्ट्रेन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? स्ट्रेन डिपेंडेंट है टाइम के ऊपर। स्ट्रेन डिपेंड्स अपॉन टाइम। तो टॉपिक मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया था, ये कैसे पता चलेगा हमें देख के? क्या चीज देखना चाहते हो? फ्लूइड को देख के? देखो बेटा, फ्लूइड को देख के तो पता नहीं चलेगा, देख के तो कुछ पता नहीं लगा सकते आप। देख के कैसे पता करोगे? मैं आपको देख के कुछ बता सकता हूं? नहीं बता सकते।
उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टेस्टिंग करने पड़ेंगे, वो टेस्ट अभी देखेंगे। देख के नहीं बताया जा सकता भैया फ्लूइड के अंदर ये प्रॉपर्टी है या नहीं। डायनेमिक क्यों कहा गया, अभी डिस्कस करके आया हूं शुरू में, एग्जैक्ट मतलब बताया था डायनेमिक और काइनेमेटिक का। भैया डायनेमिक इसलिए कहा गया क्योंकि यहां पे हम फोर्स की भी एनालिसिस कर रहे हैं जो मोशन करवा रहा है, यहां पे हम फोर्स की भी एनालिसिस कर रहे हैं जो मोशन करा रहा है। आ तो गया आपका विस्कस फोर्स। तो जब हमारी लेयर चल रही है दूसरी लेयर के ऊपर, बीच में विस्कस फोर्स आ गया भैया, इसलिए तो डायनेमिक्स बोला उसे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने डिराइव करके दे दिया, म्यू हमारी डायनेमिक विस्कोसिटी है, डी यू बाई डी वाई को क्या बोलते हैं रेट ऑफ, डी यू बाई डी वाई को क्या बोलते हैं, डी यू बाई डी वाई को बोलते हैं रेट ऑफ शेयर स्पिन, रेट ऑफ शेयर डिफॉर्मेशन और वेलोसिटी ग्रेडिएंट, कुछ भी बोल सकते हो। चले आगे, चलो बिल्कुल सही बात है। तो देख के तो बस क्या होता है, प्यार होता है, उसने बोला देख के तो बस प्यार ही होता है, देख के पता थोड़ी चलेगा फ्लूइड कैसा है, न्यूटोनियन है या न्यूटोनियन है। हाँ वो बता सकता है आपको, फ्लूइड से पूछोगे तो जरूर आपको बता देगा कि भाई मैं न्यूटोनियन फ्लूइड हूं, ज्यादा ये हो सकता है। टीचिंग इन इंग्लिश या आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, इन विच लैंग्वेज यू आर अंडरस्टैंडिंग, आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, यू आर अंडरस्टैंडिंग इन विच लैंग्वेज। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, स्ट्रेस सेम है तो स्ट्रेन टाइम कल साथ कैसे चेंज हो रहा है, क्योंकि इसी को फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड वो सब्सटेंस है जिसमें डिफॉर्मेशन टाइम के साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे एग्जांपल ये है, वो बोल रहा है कैसे बढ़ता जा रहा है, बेटा बचपन से पानी देख रहा होगा, ये बचपन से पानी देख रहा होगा, लेट सपोज ये हमारा, लेट सपोज ये मेरा टेबल है, टेबल के ऊपर मैंने वाटर की एक ड्रॉपलेट रखी, पानी की एक ड्रॉपलेट रखी और मैंने इसके ऊपर धक्का मारा, मैंने इसके ऊपर धक्का मारा, ये जो ड्रॉपलेट है कंटिन्यूअसली क्या कर रही होती है, डिफॉर्म हो रही होती है टाइम के साथ। फोर्स का मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा ही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज सेम, इट विल कंटिन्यू टू डिफॉर्म, ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होती रहेगी। तो ये यही तो फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होता रहता है टाइम के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब इसकी स्ट्रेन चेंज होती जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, इट्स स्ट्रेन इज चेंजिंग। फिर ये बोला था भैया सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं मिलती, इसलिए तो सॉलिड के अंदर शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, पर फ्लूइड के अंदर शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ स्ट्रेन है। तो इसको डिफाइन ही हमने इस तरीके से कर रखा है, इट इज बीन डिफाइंड लाइक दिस, डायग्राम भी बना के दिखाया था इसको सिंप्लीफाई करके। अगर ये हमारा फ्लूइड है, ये सिचुएशन होगी T=T1 पे, ये सिचुएशन होगी T=T2 पे, जैसे भी सिचुएशन है T=T2, तो फ्लूइड कंटिन्यूअसली डिफॉर्म करता जाएगा, विल कंटिन्यूअसली डिफॉर्म। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में आगे बढ़ते हैं, वी कंटिन्यू इन न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या बोलता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी ये बोलता है कि जब हमारा फ्लो हो रहा है, व्हेन द फ्लो इज टेकिंग प्लेस, जो वेलोसिटी की वेरिएशन है वो लीनियर नहीं है, पीछे बना के भी दिखाई दी मैंने आपको, द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी वाज नॉट लीनियर। सो न्यूटन्स लॉ वी हैव डिस्कस्ड, इन जनरल द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी इज नॉट लीनियर, लीनियर वेरिएशन नहीं मिलेगी वेलोसिटी की। पर अगर मैं दो लेयर के बीच की दूरी बहुत छोटी कंसीडर करूं, अगर मैं दो लेयर के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी कंसीडर करूं, इफ द थिकनेस ऑफ द फ्लूइड इज कंसीडर टू बी वेरी लेस, अगर ये थिकनेस बहुत छोटी है, आप ये अजम्पशन ले सकते हो कि वेलोसिटी कैसे वेरी कर रही है, वेलोसिटी लीनियरली वेरी कर रही है। क्लियर है, इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो इन एक्चुअल वेलोसिटी डज नॉट वेरी लीनियरली व्हेनेवर इट फ्लोस, जब भी वो फ्लो करता है, पर अगर आपने थिकनेस कम कंसिडर करी, आप ये मान सकते हो कि वेलोसिटी की वेरिएशन कैसी है, लीनियर है।
इसका मतलब ये हुआ कि आपने लीनियराइजेशन कर ली न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। रेट ऑफ स्ट्रेन का सिग्निफिकेंस, रेट ऑफ स्ट्रेन का सिग्निफिकेंस मतलब टाइम के साथ आपके डिफॉर्मेशन की रेट बदल रही है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ स्ट्रेन। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज अभी डिफॉर्मेशन है मेरी जीरो, टी इक्वल टू जीरो पे डिफॉर्मेशन जीरो, टी इक्वल टू टी वन पे टी वन की वैल्यू डालता हूं, टी इक्वल टू वैल्यू है 1 सेकेंड, डिफॉर्मेशन होगी मेरी 1 mm, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितनी है 1 mm/s, तो 1 सेकेंड पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितनी है 1/1, तो 1 mm/s, पर टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे डेल्टा हो गया मेरा 3 mm। अब बताओ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कितनी है, रेट ऑफ डिफॉर्मेशन 3-2/2-1, सो 2 mm/s, तो टाइम के साथ डिफॉर्मेशन की रेट भी बदलती जा रही है। तो आपको ऐसे भी फ्लूइड मिलेंगे जिसमें ये वेरिएशन कांस्टेंट हो, जिसमें ये वेरिएशन चेंज हो, वो भी आगे करेंगे हम, दैट वी विल डिस्कस। तो ये हमें फ्लूइड को क्लासिफाई करने में हमारी हेल्प करती है, जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है कैलकुलेशन करके दी, तो 1 सेकेंड पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन 1 mm/s, 2 सेकेंड पे रेट ऑफ डिफॉर्मेशन 2 mm/s, तो दिख रहा है रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट नहीं है, इट इज नॉट कॉन्स्टेंट। और दूसरा, डिफॉर्मेशन टाइम के साथ क्या करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो लीनियराइजेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी खत्म हुई, आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू, आगे बढ़े। अगर मैं आगे बढ़ू, जरा चेक करना, क्या चेक करना, ये कर्व मैंने बना के दिखाई दिया आपको, दिस कर्व वॉज बीइंग शोन टू यू, जरा मुझे ये बताना व्हेन वाई इज इक्वल टू एच, जब वाई हमारा एच के बराबर है, डिस्कस दिस पॉइंट, व्हेन वाई इज इक्वल टू एच, जब वाई मेरी एच के बराबर है, सो व्हेन वाई इज इक्वल टू एच, जरा मुझे वेलोसिटी ग्रेडियंट बताओ जरा कितनी आ रही है, व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट कमिंग आउट, व्हेन वाई इज इक्वल टू एच, व्हाट इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, वाई वी लीनियराइज सो एज टू सिंप्लीफाई अवर कैलकुलेशन। किसी भी चीज में अजम्पशन क्यों लेते हैं, नॉट ओनली न्यूटन्स लॉ, इन जनरल किसी भी चीज में अजम्पशन लेते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सिंपल सा फंडा है, क्योंकि मुश्किल कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आती, मुश्किल कैलकुलेशन आपको समझ में नहीं आती, आपको कैलकुलेशन आसान चाहिए, तो हम मुश्किल कैलकुलेशन को आसान कर देते हैं। क्लियर, 3-1, देखता हूं मैं क्या लिखा था, 3-1 लिखा था या 2 लिखा था, अभी वापस पीछे पेज पे जाके देख लूंगा कि 3-1 था या 2 था। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, जरा मुझे बताना व्हेन वाई इज इक्वल टू एच, डी यू बाई डी वाई कितनी है, 0, डी यू बाई डी वाई 0, व्हेन वाई इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है, व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू बाई डी वाई, अब डी यू बाई डी वाई है मैक्सिमम, तो जब वाई 0 है ये है हमारी डी यू बाई डी वाई, सो दिस इज अवर डी यू बाई डी वाई, जब वाई एच के बराबर है ये है हमारी डी यू बाई डी वाई, दिस इज अवर डी यू बाई डी वाई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है जब y 0 है, when y 0, जब y 0 है उस समय शेयर स्ट्रेस क्या है, मेरी शेयर स्ट्रेस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, और यू कैन से रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, तो जिस समय y 0 है, जिस समय y 0 है du by dy मैक्सिमम है, इसका मतलब यहां पर शेयर भी क्या है, मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां डेवलप होगी, बाउंड्री पे डेवलप होगी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड एट दी बाउंड्री, और जब वाई एच के बराबर हो जाएगा डी यू बाई डी वाई 0, यानी शेयर स्ट्रेस भी कितनी है, 0 है, तो इसीलिए वेलोसिटी वेरी करती है। तो पीछे बोल रहे थे ना वेलोसिटी वेरी क्यों करती है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां मिल रही है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है बाउंड्री पे, मिनिमम शेयर स्ट्रेस कहां पर है, वाई इक्वल्स टू एच पे, यानी जैसे जैसे बाउंड्री से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे शेयर स्ट्रेस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। एक बार एक पॉइंट और प्रूव होता है, कौन सा पॉइंट प्रूव होता है, जब मैं y इक्वल टू 0 की बात करूं, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, क्योंकि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है रिलेटिव वेलोसिटी कितनी निकल के आती है, 0 निकल जाती है, नो स्लिप कंडीशन जस्टिफाइड, तो नो स्लिप कंडीशन हमारी जस्टिफाइड होगी। ये रे चीज,
कंटिन्यूअस स्लोप चेंज होता है, कंटिन्यूअस स्लोप चेंज होती है, बिल्कुल सही बात, स्लोप इज चेंज कंटिन्यूअसली। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रखा था, ये वाला पॉइंट बता दिया, खत्म कहानी। तो व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लोज ओवर दी, सो व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लोज ओवर दी सॉलिड बाउंड्री, दी फ्लूइड पार्टिकल एट दी सरफेस ऑफ दी बॉडी फ्लोज विद दी सेम वेलोसिटी एट दैट ऑफ दी सरफेस, दिस इज नोन एज नो स्लिप कंडीशन। तो नो स्लिप कंडीशन को जस्टिफाई करके दे दिया, दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ नो स्लिप कंडीशन, क्लियर है? रिपीट करना है इसका कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें जो डन। चलो अब सवाल देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ, चेक दी प्रॉब्लम्स ऑन दिस। पहला प्रॉपर्टी सफिशिएंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम, नहीं नहीं ये स्कूल के एग्जाम के लिए सफिशिएंट है, यूनिवर्सिटी के लिए आपको बड़े प्रोफेसर से पढ़ना पड़ेगा, हार्वर्ड से बुलाएंगे आपके लिए बड़ा प्रोफेसर, वो आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ाए, ये स्कूल के एग्जाम के लिए सफिशिएंट। चलो द प्रॉपर्टी विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर इज कॉल्ड, सो द प्रॉपर्टी विच अ लिक्विड अपोजेस, इन विच अ लिक्विड अपोजेस रिलेटिव मोशन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? दैट प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज व्हाट? सरफेस टेंशन, नो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, सही बात है, और क्या बोल सकते हो? और विस्कोसिटी बोल सकते हो, सो आइदर यू कैन से कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और विस्कोसिटी। एमआईटी सफिशिएंट है, चलो ठीक है एमआईटी से बुलाएंगे, जरा बता रहे एमआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोल के बताना, आवाज आनी चाहिए सबको, लिख के मत बताना, लिखोगे भी क्या, बोल के बताना एमआईटी क्या? तो विस्कोसिटी, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैंसिल आउट हो गया, विस्कोसिटी है तो हमारी विस्कोसिटी, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ऑस्मोसिस, क्लियर? एमएसक्यू में दोनों सही है, इन एमएसक्यू बोथ आर करेक्ट, अगर एमएसक्यू है तो दोनों सवाल दोनों ऑप्शन ही सही है, चाहे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोल दो या विस्कोसिटी बोल दो, बी एंड सी बोथ आर करेक्ट। वो आई नहीं आवाज अभी तक मैं एमआईटी की, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये क्या लिखा हुआ है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कृष्णा रतुरी देखो लिख के ही बताया, सीरियसली लेगा ये बात को, मजाक कर रहा था मैं कृष्णा। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस अभी आएगा आगे, ऑस्मोसिस अभी आगे करेंगे, चलो कंटिन्यू। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस है भैया यूनिट क्या होती है हमारी विस्कोसिटी की, एमके सिस्टम में बात करोगे यूनिट विल बी किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इन एमके सिस्टम यूनिट्स विल बी किलोग्राम फोर्स सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट की बात करोगे किलोग्राम फोर्स को आप न्यूटन बोल सकते हो, तो किलोग्राम फोर्स इज न्यूटन, ये हमारा न्यूटन है, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल, तो पास्कल सेकंड, तो आप पास्कल सेकंड भी बोल सकते हो उसे। टीजीएस सिस्टम में किलोग्राम फोर्स की जगह डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज ऑल्सो टर्म्ड एज पॉयस, इसको पॉयस भी बोला जाता है, क्लियर है? इज ऑल्सो टर्म्ड एज पॉयस। अच्छा रिलेशनशिप क्या है इसके अंदर, रिलेशनशिप भी बताई हुई है, टेन पॉयस इज इक्वल टू वन न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, टेन पॉयस इज इक्वल टू वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो वन पॉयस इज इक्वल टू वॉट, वन पॉयस इज इक्वल टू पॉइंट वन न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। मुरादाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी तो कॉन्स्टेंट आया है प्रोपोर्शनलिटी की जगह, कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी तो
कॉन्स्टेंट आया प्रोपोर्शनलिटी की जगह, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो उसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, एक ही तो बात है। अभी पीछे बताया भी था, कौन है भाई ये, भाई बताने के बाद भी यही चीज पूछते हुए, देखो ये रहा म्यू, वेयर म्यू इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी और ओनली विस्कोसिटी। तो ये म्यू को जो बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या विस्कोसिटी। सर बी कैसे लिया वहां आंसर, बी कैसे लिया वहां आंसर, मैंने बी तो लिया ही नहीं भाई आंसर, वहां पे बी कहां लिया, मैंने तो बोला विस्कोसिटी आंसर है, कहां गया। तो चाहे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलो चाहे विस्कोसिटी बोलो, अब सिर्फ एमसीक्यू होता मैं विस्कोसिटी आंसर बोलता, इसको हटा देता, एमएसक्यू होता मैं दोनों को आंसर बताता, ये सारी चीजें बता गया हूं। बहुत ही पॉइंट्स आई डिस्कस, ये एमसीक्यू है विस्कोसिटी बोल देना, ये एमएसक्यू है तो दोनों सही हो जाएंगे, तो दोनों सही है हमारे, वो था करेक्ट। तो बी आंसर कहां बताया था मैंने, चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, पिछले गेट एग्जाम में विस्कोसिटी का यूनिट पूछा था, अच्छी बात है पूछा था, देखो अच्छा ध्यान से देखना, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अब देखना यहाँ आगे फंसेंगे लोग, कैसे फंसेंगे देखना, अभी आगे बढ़ेंगे। एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1.002 सेंटीपॉइड्स, विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.83 इनटू 10 रेज पावर 2 सेंटीपॉइड्स, सेंटीपॉइड्स का मतलब, सो 1 सेंटीपॉइड्स इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 2 पॉइंट्स, देख सकते हो इस तरीके से, या एक पॉइंट में कितने सेंटीपॉइड्स, एक पॉइंट में 10 रेज पावर 2 सेंटीपॉइड्स, क्लियर चीज, चले आगे। चलो अब डिस्कशन का पॉइंट क्या था मेरा, डिस्कशन का पॉइंट ये था, पानी की विस्कोसिटी पता है और एयर की विस्कोसिटी पता है, तो पानी अप्रोक्सीमेटली कितने गुना ज्यादा विस्कस हो गया एयर से, पानी कितने गुना ज्यादा विस्कस हो गया एयर से, 55 टाइम्स। इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वाटर अगेंस्ट एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज 55 टाइम्स। तो जो पानी रेजिस्टेंस ऑफर करेगा दो लेयर के बीच में 55 टाइम्स ज्यादा निकल के आएगी, क्लियर है चीज, तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी आगे वापस एक सवाल पूछूंगा आपको, आई लास्ट वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस कंसेप्ट ओनली, एक और सवाल आएगा अभी, तो 55 टाइम्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, सो विल कंटिन्यू, नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर टाइप ऑफ विस्कोसिटी, पीछे हम बात कर रहे थे डायनेमिक विस्कोसिटी की। अब आपका सवाल पूछने से पहले मैं खुद ही बता देता हूं, सर काइनेमेटिक और डायनेमिक में क्या फर्क होता है, तो काइनेमेटिक में हम फ्लूइड के फ्लो की बात करते हैं विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, डायनेमिक में हम फ्लूइड के फ्लो की बात करते हैं बाय कंसीडरिंग द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट फ्लो। तो हम बात करेंगे फ्लूइड के फ्लो की और साथ में फोर्स को भी कंसिडर करेंगे, तो पीछे थी डायनेमिक विस्कोसिटी, अब क्या है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। इसका मतलब while dealing with kinematic viscosity, we are not concerned with force responsible for it. Clear है चीज? तो पहले difference बता दिया कि ये kinematic viscosity और वो क्या हमारी, वो हमारी dynamic viscosity थी जो पीछे हमने खत्म कर दी, पहले इस बात को खत्म किया। अच्छा मैथमेटिकली किसके बराबर है, मैथमेटिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, तो मैथमेटिकली काइनेमेटिक विस्कोसिटी इस डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। इन काइनेमेटिक विस्कोसिटी वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो, वी आर ओनली कंसर्न्ड विद द फ्लो, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द फोर्सेस कॉजिंग द फ्लो। नेक्स्ट यूनिट क्या है इसके, डायनेमिक विस्कोसिटी को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, यूनिट आ जाएगी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इन एमकेएस सिस्टम, इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को स्ट्रोक भी बोला जाता है, जैसे पीछे भी डिस्कशन की थी हमने, पीछे जब डायनेमिक विस्कोसिटी बता रहा था डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर को पॉइस बोलते हैं, वैसे यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स बोलते हैं। तो वन स्ट्रोक इज इक्वल टू वॉट 10 रेज टू पावर माइनस 4
मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर सर? 50 टाइम्स भी लिखा था बुक में कहीं, तो बेटा आपने टेम्परेचर बदल दिया। और दूसरा, मैंने 55 तो बोला ही नहीं है, मैंने अप्रोक्सीमेटली 55 बोला है। भाई 55 तो बोला ही नहीं है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखते हैं। मुझे पता था आप लोग आओगे इस तरीके से उठ के। देखो ये क्या लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है ना, इट इज अप्रोक्सीमेटली। मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, आ गया। स्ट्रोक, स्ट्रोक ये ई वाला स्ट्रोक है, आप में ई गायब है, नॉट इज फाइन, अब आ रहा है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चले आगे, शैल वी कंटिन्यू। बड़ा फालतू के कमेंट मत करो यहाँ पे फ्यूचर अकेडमी, पास्ट और प्रेजेंट दोनों बिगड़ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, विल कंटिन्यू, कंटिन्यू करते हैं आगे। डिस्कस क्या कर रहे थे हम, डिस्कस कर रहे थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में। वी वर टॉकिंग अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। थैंक्स सर, बोर्ड के लिए कंप्यूटर के कोने वाले इंटरफेस में मजा नहीं आता था, मजा आ रहा है। चलो पढ़ाई कर लो, मजा आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10^-2 स्ट्रोक्स, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर इज 1.5×10^-1 स्ट्रोक। अब जरा मुझे ये बताना, आउट ऑफ वाटर एंड एयर हूज काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज मोर, किसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, 10^-2, 1.5×10^-1, हूज विस्कोसिटी इज मोर, किसकी विस्कोसिटी ज्यादा है? अब हम बोलेंगे एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है, पानी की डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा है, पर एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा है। और एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितने गुना ज्यादा है? एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी अप्रोक्सीमेटली 15 गुना ज्यादा है। तो अब सवाल को ध्यान से पढ़ना, जब सवाल यह पूछेगा आपसे कि एयर ज्यादा विस्कस है या पानी ज्यादा विस्कस है, तो विस्कोसिटी का सिर्फ मतलब होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो अगर वो सिर्फ विस्कोसिटी लिख के दे, इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी, पर अगर उसे काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछना होगा, वो क्लियरली मेंशन करेगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसकी ज्यादा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों हुआ, नहीं पहले एक दूसरा सवाल आएगा, सर कहीं पर मैंने इसको 10 भी लिखे हुए देखा था। हाँ हो सकता है 10, भैया टेम्परेचर प्रेशर बदलोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, दिस वैल्यू विल चेंज। तो मैंने इसलिए अप्रोक्सीमेटली 15 बोला है, एग्जैक्टली 15 नहीं होगी। कहने का मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि सर 15 बोल दिया तो 15 ही आएगा, सर पेपर में तो 13 आया था, आपने 15 बताया, कौन सा सही होगा? सर कंफ्यूज्ड क्वेश्चन मार्क, ऐसे पूछो सवाल, सर कंफ्यूज्ड क्वेश्चन मार्क। तो भैया 13 भी सही है, 14 भी सही है, 15 भी सही है, सब सही है, वो टेम्परेचर प्रेशर बदलेगा, वैल्यू बदल जाएगी। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कि ऐसा कैसे हुआ कि पानी की तो डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा पर एयर की काइनेमेटिक विस्कोसिटी ज्यादा, इसका रीजन भी समझ सकते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है? डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी। किसकी डेंसिटी कम थी? हवा की डेंसिटी कम थी, क्योंकि हवा की डेंसिटी कम थी और वो डिनोमिनेटर में आ रहा था, इसलिए हवा की काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। एज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी इंक्रीजेस, क्लियर है? डायनेमिक विस्कोसिटी से रेजिस्टेंस टू मोशन पता चल रहा है, बिल्कुल सही बात। विस्कोसिटी प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल डिपेंड करता है अनुराग मिश्रा, 2 मीटर को देखो मैं बताता हूं मैं आपको।
पोस्टपोन गेट फिर क्या भाई पोस्टपोन, ये क्या बोल रही है रुचि शर्मा? डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन है? धीरेन्द्र भाई 2 मिनट का टाइम दे दो, 2 मिनट रुक जा प्रभु, बता रहा हूं सारे वेरिएशन बता रहा हूं, इतने वेरिएशन बताऊंगा कि वेरी करते करते थक जाओगे, अभी इतने वेरिएशन बताऊंगा कि वेरी करते करते थक जाओगे, रुक जाओ 2 मिनट का टाइम दे दो। तो ये तो हमारी वैल्यूज खत्म हो गई, दीज वैल्यूज आर फिनिश्ड। अब वेरिएशन की बात करते हैं, अब हम बात करेंगे कि डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है। क्लियर है? डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, लिक्विड में भी गैस में भी। क्लियर है? लिक्विड में भी और गैस में भी। रुक जाओ 5 मिनट का टाइम दो, मेरी बात खत्म हो जाए फिर बोलना, लो आ जाओ। सो अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम बात करेंगे अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी। देखो आपके लिए कितना बढ़िया लग कॉलम बनाया, टेबल बनाई है आप दोनों के लिए, दो टेबल है, दोनों की सिग्निफिकेंस बताई हुई यहाँ पे, पर फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दो बेटा। फिजिकल सिग्निफिकेंस बताया ना कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी जब मैं निकाल रहा हूं मैं फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, और जब डायनेमिक विस्कोसिटी निकाल रहा हूं मैं फोर्स को भी पिक्चर में लेके आ रहा हूं, ब्रिंगिंग द फोर्स ऑल्सो इन द पिक्चर। तो जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं फोर्स पिक्चर में नहीं है, तो ये एयर का मोमेंटम ट्रांसफर बहुत ज्यादा, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, इसलिए काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ज्यादा। पर जब फोर्स को भी पिक्चर में ले आओगे एंड द फोर्स विल ऑल्सो कम इनटू द पिक्चर, वो पानी में जाता, इसके पानी की डायनेमिक विस्कोसिटी ज्यादा, हेंस द डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ द वाटर इज मोर। द फर्स्ट पॉइंट अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायनेमिक विस्कोसिटी, पहला केस लिया लिक्विड, पहला केस लिया लिक्विड। अब जरा मुझे बताओ टेम्परेचर के बढ़ने से जो मॉलिक्यूल है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल की एक्टिविटी बढ़ जाती है कम हो जाती है? टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल की एक्टिविटी बढ़ गई तो उनके बीच का कोहेशन क्या हो गया, कम हो गया। तो अगर टेम्परेचर बढ़ा लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल एक्टिविटी बढ़ गई, इसका मतलब कोहेशन कम, इसका मतलब विस्कोसिटी कम। तो इसका मतलब लिक्विड के अंदर डायनेमिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर में कैसा रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप। अब इनवर्स रिलेशनशिप के साथ साथ आपको मैथमेटिकल इक्वेशन भी दे दी है कि डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू ए इंटू 10^(b) डिवाइड बाई टी माइनस सी। इसमें एबीसी क्या है? कॉन्स्टेंट है, एबीसी आर कॉन्स्टेंट। तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड के अंदर टेम्परेचर के बढ़ने के साथ कम हो जाती है, पर अब गैस की बात करूं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो जाएंगे, अगर मॉलिक्यूल एनर्जाइज हो गए तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ गई तो मोमेंटम ट्रांसफर क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो गैसेस के अंदर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी तो मोमेंटम ट्रांसफर बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। तो गैस के अंदर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि गैस के अंदर तो मेरी विस्कोसिटी किसकी वजह से थी, मोमेंटम ट्रांसफर की वजह से थी और वो बढ़ गया, पर लिक्विड के अंदर जब मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ी तो कोहेजन कम हो गया तो विस्कोसिटी कम। सर आप किस किस सब्जेक्ट को लेकर आओगे? अब जो टिकट कटवाएगा उसको ले आऊंगा, बिना टिकट वाले सब्जेक्ट लाता ही नहीं हूं, जो टिकट ले आएगा, विदाउट टिकट ट्रेवल अलाउड ही नहीं होता। क्लियर? हैंग अप सर? भाई मैं तो चल रहा हूं, मैं कहां हैंग हो गया, ऊपर कुछ है भी नहीं हैंग होने के लिए। आई कैन नॉट हैंग अप। जिस लिक्विड काइनेटिक विस्कोसिटी ज्यादा होगी वहां लिक्विड किसी बॉटल से खाली होगा क्या? कोहेजन कैसे कम हुआ एक्सप्लेन करो, कोहेजन कैसे कम हुआ? कोहेजन था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लिक्विड मॉलिक्यूल्स, कोहेजन था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अब टेम्परेचर बढ़ाया क्या होगा, गर्मी लगेगी इनको, गर्मी लगेगी जैसे ही, जैसे तुम एग्जाम्पल लो
जलते हुए तवे के ऊपर बैठो, देखो क्या होगा, एकदम से उठोगे तो जैसे मैंने टेम्परेचर लगाया बढ़ाया ये भाग गए दूर दूर, जैसे दूर दूर भाग गए इनके बीच की कोहेसिव फोर्स क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है? चलो, बॉन्ड ब्रेक हुआ ना, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, वीक हो गया, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड इज वीकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करते हैं, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डायनेमिक विस्कोसिटी लिक्विड में क्या हो जाती है, तो टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है, जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ, अभी पीछे बात करी थी हमने लिक्विड में, लिक्विड में टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डेंसिटी क्या होती है, तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो डेंसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस। तो हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी थी डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, तो डेंसिटी भी कम और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कम, बट डिक्रीज इन डायनेमिक विस्कोसिटी इज मोर देन द डिक्रीज इन डेंसिटी। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डायनेमिक विस्कोसिटी में डिक्रीज ज्यादा आता है, इसलिए ये पूरी की पूरी रेशो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसीलिए लिक्विड के अंदर काइनेमेटिक विस्कोसिटी और टेम्परेचर में इनवर्स रिलेशनशिप है, तो ये रहा इनवर्स रिलेशनशिप। अब यहां पर आते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ डायनेमिक विस्कोसिटी क्या करती है, बढ़ती है, पर यहां पर भी डेंसिटी क्या होती है, पर यहां पर भी डेंसिटी कम होती है, और हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ी डेंसिटी कम हुई, तो ओवरऑल रेशियो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटरनेट हैंगअप सर, इंटरनेट हैंगअप, भाई क्या करूंगा इसके अंदर, अब इंटरनेट हैंगअप हो गया आपका, उसने कुछ किया होगा क्राइम, मैं क्या करूं उसकी मदद, तो बोलो मंच वाले कुछ भी ऐसा कुछ कि हैंगअप करना पड़े उसे। सो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। क्लियर है? शैल वी कंटिन्यू? तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया, दिस इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इन डिटेल द एंटायर डिस्कशन इज डन, डिटेल में पूरी डिस्कशन कर ली। तो पीछे पूछ रहा था कोई, सर टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर, तो टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा डायनेमिक और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, लिक्विड और गैस दोनों। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है, फर्स्ट प्रेशर का फर्क किसके ऊपर, डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर। प्रेशर का फर्क किसके ऊपर, डायनेमिक विस्कोसिटी के ऊपर। पहला लिया लिक्विड, प्रेशर के बढ़ने से हमने पीछे क्या डिस्कस किया था, प्रेशर के बढ़ने से हमने ये डिस्कस किया था, व्हाट वी हैव डिस्कस, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे तो लिक्विड के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड आप इनकंप्रेसिबल मान के चल रहे थे। अगर प्रेशर के बढ़ने से लिक्विड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी पार्टिकल पास पास नहीं आ रहे, यानी मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी क्या रही, कॉन्स्टेंट रही, इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अगर यही वेरिएशन मैं गैसेस में देखूं, इफ द सेम वेरिएशन इज सीन इन गैसेस, प्रेशर के बढ़ने से हमारे गैस की डेंसिटी क्या कर रही थी, बढ़ रही थी, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो अगर लो प्रेशर पे बात करोगे, लो प्रेशर पे मतलब कहां पे, 3 से लेकर 4 एटमोस्फेयर, लो प्रेशर पे गैस के वॉल्यूम में इतना ज्यादा चेंज नहीं आता, तो आप बोल सकते हो कि डायनेमिक विस्कोसिटी कांस्टेंट है। पर अगर प्रेशर आपने बढ़ाया, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो पार्टिकल क्या कर जाएंगे वहां पे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा, मोमेंटम ट्रांसफर ज्यादा होगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी प्रेशर के साथ, देयर विल बी डायरेक्ट रिलेशनशिप ऑफ द प्रेशर।
क्लियर है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन गैस, प्लीज रिपीट, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन गैस किसका वेरिएशन बताऊं, ये देखो अभी आगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इन गैस, क्या टेम्परेचर का वेरिएशन जानना है, तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो गैस के अंदर डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ती है, जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो गैस की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो न्यूमरेटर में डायनेमिक विस्कोसिटी बढ़ी, डिनोमिनेटर में डेंसिटी कम हुई, तो रेशियो क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा, सो न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग द एंटायर रेशियो विल इंक्रीज, पूरा रेशियो बढ़ जाएगा, क्लियर। अब बात करते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, नाउ वी टॉक अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी, क्योंकि आपने लिक्विड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नहीं मानी तो प्रेशर के चेंज होने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, तो प्रेशर के बढ़ाने से डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया, कांस्टेंट, और डायनेमिक विस्कोसिटी भी कांस्टेंट, इसका मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो लिक्विड के अंदर अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने बोला भैया इनकंप्रेसिबल है, इनकंप्रेसिबल है मतलब डेंसिटी में कोई चेंज नहीं, और डायनेमिक विस्कोसिटी आप कांस्टेंट पीछे करके आए हो, इसका मतलब लिक्विड के अंदर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। आज की क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड, अरे भैया नोट्स पड़े हैं ग्रुप के ऊपर, उठा लो नोट्स ही तो लिखे हुए सारे, और क्या लिखे हुए, ग्रुप के ऊपर नोट्स पड़े हुए हैं, वो नोट्स ही है सारा, कोई नई चीज थोड़ी ना, ये मैकेनिकल वाली एफएम थोड़ी ना, सिविल वाली एफएम ही है, बता दो आपको सिविल वाली एफएम ही है ये, और सिविल वाली एफएम के नोट्स आपके पड़े हैं ग्रुप के ऊपर, हाँ जो मैकेनिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए अलग होगी एफएम, फॉर देम उनको नोट्स की जरूरत पड़ सकती है, तो मैकेनिकल के हो सिविल के हो, तुम तो सिविल के लग रहे हो, तुम्हारे पास तो नोट्स होने चाहिए ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, प्रेशर का क्या अफेक्ट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के ऊपर, तो प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो अगर गैसेस में प्रेशर बढ़ाओगे डेंसिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, पर डायनेमिक विस्कोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब काइनेमेटिक विस्कोसिटी गैसेस में प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, इनवर्सली वेरी करती है, इट वेरीज इनवर्सली। पूरी कहानी कौन सा वो सर, प्रेशर के साथ वेरी करती है डायनेमिक विस्कोसिटी, टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, सारे वेरिएशन बता दिए, ऑल दी वेरिएशन आर डिस्कस्ड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, पॉइस एज अ यूनिट ऑफ व्हाट, पॉइस के यूनिट क्या होते हैं, पॉइस का यूनिट होता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पॉइस एज अ यूनिट ऑफ डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट्स किधर है, नोट्स इधर ही है, तेरा ध्यान किधर है, नोट्स तो इधर है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग दी, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं, डिनर के जीए सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिनर के जीए क्या बोल रहे हैं, डिनर के जीए छोड़ जो भी बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर के बढ़ने से लिक्विड की विस्कोसिटी क्या हो जाती है, अभी पीछे भर गया है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड की विस्कोसिटी क्या कर जाएगी, लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, रीजन वी हैव डिस्कस्ड, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ेगी, कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, विस्कोसिटी विल डिक्रीज। देखो अगला सवाल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड एक्सप्रेस्ड, काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसमें एक्सप्रेस करते हो, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड या स्टोक्स, कोई भी एक यूनिट बता सकते हो, सवाल में क्या दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दिया हुआ है, प्रॉब्लम इट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड,
बॉन्ड वीक होगा। सर आपसे कहाँ मिल सकते हो, मैं तुम्हारे मन में तो हूँ, तुम दिल से पुकारो मेरे दर्शन होंगे तुम्हारे को। चलो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, चेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी बोल रही है, द मूवमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ द वुड जॉइंट विद अ हॉट ग्लू, द मूवमेंट ऑफ टू ब्लॉक्स ऑफ वुड जॉइंट विद अ हॉट ग्लू रिक्वायर्स ग्रेटर एंड ग्रेटर एफर्ट एज द ग्लू इज ड्राइंग अप। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल। द मूवमेंट ऑफ द टू ब्लॉक्स ऑफ द वुड जॉइंट विद अ हॉट ग्लू, ये हॉट ग्लू है मतलब टेम्परेचर ज्यादा है, रिक्वायर्स ग्रेटर एंड ग्रेटर एफर्ट एज द ग्लू इज ड्राइंग अप। इसका मतलब जब टेम्परेचर कम होता जा रहा है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। पहली स्टेटमेंट, जब टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्यों? व्हेन द टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग शियर स्ट्रेस इज इंक्रीजिंग। अभी पीछे डिस्कस किया कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वेरीज इनवर्सली विद द टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, विस्कोसिटी इनवर्सली वेरी करती है टेम्परेचर के साथ। तो अगर टेम्परेचर कम होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, विस्कोसिटी बढ़ जाएगी तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, स्ट्रेस विल इंक्रीज। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो पहली बात भी सही है, दूसरी बात भी सही है, और दूसरी वाली बात पहली वाली बात का एक्सप्लेनेशन है। अरे वैसे ही मिल लो, जरूरी थोड़ी है रैंक लाने के बाद, रैंक लाने वाले तो साल में एक बार मिल सकते हैं, बाकी सब लोग तो कभी मिल सकते हैं, कभी भी आके मिल लो, उसमें क्या, ये कहां से बात आ गई रैंक आने के बाद मिल सकते हैं, जब मर्जी मिल लो आगे। चलो आगे बढ़ो। शेयर स्ट्रेस इन द न्यूटोनियन फ्लूइड इज प्रोपोर्शनल टू, न्यूटोनियन फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में शेयर स्ट्रेस प्रेशर के प्रोपोर्शनल नहीं है, स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं है, ये तो सॉलिड में होता है, स्ट्रेन रेट के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, गलत बात है। आंसर कम्स आउट टू बी व्हाट, स्ट्रेन रेट। क्लियर, टी पे लॉक लगा लो। चलो आखिरी सवाल आज का, छुट्टी फिर। क्या बोल रहा है अगला सवाल, व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगला सवाल बोल रहा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी किससे रिलेट करता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी रिलेट्स टू व्हाट। फर्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एंड द रेट ऑफ द एंगुलर डिफॉर्मेशन, नहीं गलत स्टेटमेंट है, ये प्रेशर और एंगुलर डिफॉर्मेशन में नहीं बताता रिलेशन, विस्कोसिटी एंड द रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डीटी, तो रिलेशनशिप है किसके अंदर, विस्कोसिटी और रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। मंडे को जेके एसएसबी जेई का एग्जाम है, बेस्ट ऑफ लक, स्लाइड एंटरटेनमेंट, फोड़ फाड़ के आना पेपर को, सब कुछ करा रखा है आपको, डरने की जरूरत नहीं है, सारे सवाल बन जाने चाहिए आपसे, 5 या 10% सवाल नहीं बने परेशान मत होना, बाकी 90% 95% सवाल बना सकते हो। आज के लिए कार्यक्रम इतना सही है। सर वुडन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट रिपीट कर दो, वुडन ब्लॉक वाला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि दो वुडन ब्लॉक आपने गरम गरम तेल से चुपका है या गरम गरम ग्लू से चुपका है, जैसे जैसे ग्लू ठंडी होती जाती है वुडन ब्लॉक को मूव करने में फोर्स ज्यादा लगता है, सही बात है ना, ग्लू का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, तो जब ग्लू का टेम्परेचर कम होता जा रहा है, अभी डिस्कस किया ना हमने कि जब टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब विस्कोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, और अगर विस्कोसिटी बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से शियर स्ट्रेस भी बढ़ेगा, शियर स्ट्रेस बढ़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि आपको दोनों ब्लॉक को मूव कराने में फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स विल बी मोर। क्लियर, यूपीपीएससी का रिजल्ट जस्ट आ गया, बधाई हो बाबूलाल, उसमें भी फोड़ दिया तुमने, तुमने एमपीपीएससी में तो फोड़ा है, यूपीपीएससी का भी पेपर निकाल लिया। सर ये लोग टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, अब क्या करूं भाई, मैं अगली बार से मैं कमेंट ही ऑफ कर दूंगा, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई ऑफ द कमेंट।
वैसे जितना मैंने आज सोचा था उतना हो गया, स्पीड की दिक्कत नहीं है, जितना मैंने आज सोचा था उतना हो गया। स्पीड बहुत ही अच्छी चल रही है, बहुत ज्यादा स्पीड से कराया मैंने, परेशान होने की जरूरत नहीं है आप। चलिए हाँ नेक्स्ट, अगर आप दो दिन में एक चैप्टर भी कंप्लीट करते हो बहुत अच्छी बात है, सारे क्योंकि कवरेज पूरी है, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है मैंने, तो एक भी कंसेप्ट को मैंने छोड़ा नहीं है, सारे कंसेप्ट मैंने कवर किए हैं। तो अगर दो लेक्चर में हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाता है, अच्छी स्पीड है। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।